भाषा में ना हर वस्तु या तो स्त्रीलिंग है या पुरुलिंग है, और अन्य भाषा में ऐसा नहीं है। वाह भाई वाह। खाली हिंदी में है कि पेड़ जो है वो पुरुलिंग है, पेड़ टूट गया लेकिन उसकी डाली जो है वो स्त्रीलिंग है, डाली टूट गई। क्यों? पेड़ तो पेड़ है, डाली उसके साथ जुड़ी होती है, वो स्त्री का कार्य करती है, उसकी सेवा करती है पेड़ की। ऐसे ही सभा, सभा स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग है? क्योंकि इसका एक पति होता है, उसे क्या कहते हैं? सभापति। तो सभा स्त्री लेंगे क्योंकि इसका एक पति है, उसे सभापति कहते हैं। अब भले वो सन्यासी क्यों ना हो, पर है वो सभापति। हैं? तो अभी आज इस सभा के पति सभापति को हम प्रणाम करते हैं, पूज्यपाद। अच्छा, कैसे कैसे है भाई? सभापति पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज हैं। तालियां बजाओ। नहीं, मैं संचालक हूँ, संचालन आप हैं। अच्छा, नहीं, सभापति की एक ब्यूटी होती है, एक प्रिविलेज होता है, विशेषाधिकार जिसे कहते हैं, वो ये है कि अंतिम भाषण वही देता है। ये विशेषाधिकार है कि अंतिम भाषण ज्यादा समय मिलता भी नहीं, सारे अपना अपना समय ले जाते हैं, फिर जो खुरचन बचती है उसमें वो अपनी मिठाई बताता है, फूलचंद खुरचंद वाला मथुरा। हमारे सभा के बृहद हस्त देकर उसकी संरक्षण करने वाले संरक्षक पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज हैं। हम लोग सभी लोग इस सभापति को वरण किया है, और बोलो श्रीधर महाराज जी की ताली बजा दी। पहले हमने वरण किया, अब वो हमें वरण करें, इस इरादे से हमने वरण किया।
हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। समय का अभाव है, समय थोड़ा है, ये कहेंगे थोड़ा क्यों है, 6 से 8:30 तक है, 6 से 6:30 तो बज गए हैं, आधा घंटा तो हम लेट कल भी थे और आज भी हैं, और जो नहीं आए हैं उनको नहीं लग रहा कि हम लेट हुए हैं, इसलिए वो नहीं आए। आज ललिता सप्तमी भी है और कल राधा अष्टमी है, उसके उपलक्ष्य में हम आज का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, आज की सभा उस उपलक्ष्य में भी है। तो मैं सबसे पहले जो कल छूट गए थे, जिसका मैंने अपराध किया था, उनके नाम लेने के बाद जो इनका नाम कैंसिल कर दिया था, श्यामानंद प्रभु कौन है पहले तो उनसे मैं माफ़ी मांगूँ। खड़े हो ना, आओ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कल के लिए। हैं तुम अपने 1 मिनट को 10 मिनट समझ के 10 मिनट तक बोलना, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, क्या 1 मिनट को 10 मिनट समझ के 10 मिनट तक बोलना। हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो उसमें पैमाना ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भजामि राधारविन्द नेत्रा स्मरामि राधा मधुरस्मिताश्यं वदामि राधा करुणाभराद्र ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत लसी दल गोस्वामी गुरु महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिरुशील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। सोपाद से सपरिकार जगत गुरु प्रभुपाद सोपाद से सपद कर गौर नित्यानंद प्रभु सोपाद से सपरिकर श्री युगल किशोर राधा रमन बिहारी एवं उपस्थित मंच स्थित पूज्यपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज एवं अन्य अन्य पूज्यपाद संजय प्रभु नवीन प्रभु विजय प्रभु पूज्यपाद शांत महाराज जी रामचंद्र प्रभु एवं अन्य विजय कृष्ण प्रभु अन्य समस्त भक्तवृंद वैष्णववृंद वैष्णवी वृंद समस्त चरणों में पूज्यपाद उमा दीदी सबके चरणों में अधम का यथाजोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम सब लोग बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री राधा रानी का प्राकट्य तिथि के उपलक्ष्य में 3 दिन तक ये कथा कीर्तन का आयोजित में हम सब भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और श्रील जगतगुरु प्रभुपाद एक बात बताते हैं कि जो विष्णु के भक्त होते वैष्णव और जो शिवजी के भक्त शैव है और जो कृष्ण के भक्त कार्ष्णेय और जो राधा रानी के भक्त वो कौन है ना गौड़ीय। राधा रानी के जो भक्त है वो है गौड़ीय, इसलिए गौड़ीय के जो परमा आराध्य देवी है वो कौन है श्रीमती राधा रानी। तो श्री जगतगुरु प्रभुपाद कहते हैं हम लोग श्री राधा रानी के दासी हैं, राधा रानी के आनुगत्य में हम क्या करेंगे ना कृष्ण की सेवा वांछा, कृष्ण के जो चरण के किस प्रकार हम कृष्ण की सेवा करें ये राधा रानी के आनुगत्य में हम कृष्ण को सेवा करेंगे। इसलिए सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में कहते हैं कि राधा पक्ष छाड़ी जय जन्म से जना जे भावे सेवा भी थाके आमी तो सर्वदा राधा पक्षपति कभू नहीं हेरिता के। कि राधा पक्षपात को राधा पक्ष को छोड़ के जो भी व्यक्ति इधर उधर
अन्य अन्य किसी ना भाव में भी रुके तो हम तो सदा सर्वदा क्या, चाहे वो कृष्ण के परम भक्त क्यों ना हो, अगर राधा रानी के भक्त नहीं हो, राधा रानी के पक्षपाती नहीं हो, तो हम उसको कभी अमित सर्वदा राधा पक्षपाती, कि हम हर समय श्री राधा रानी के पक्षपाती, कभू नहीं है रीता के हम उसको कभी दूर से देखेंगे भी नहीं। तो इसी भाव में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं, यदि द्वारिका कृष्ण से और मथुरा कृष्ण से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर द्वारिका कृष्ण हमको बुलाए कि आ जाओ मैं द्वारिका में, मैं तुम्हें सेवा का अधिकार प्राप्त दूंगा, तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि स्फुटम द्वारम इति यदि सुनोमि गृतटे, कि मैं अगर अपने कान पे अगर ये सुनूं कि द्वारिका में क्या हुए ना, द्वारिका कृष्ण से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, द्वारिका के कृष्ण अगर बोले कि मैं अगर कान में बस इतना श्रवण करूं कि राधा रानी ब्रज से क्या के ना द्वारिका कृष्ण को सेवा करने के लिए चली गई है, तो बोलते हैं कि अधिक कपि खवेंद्र अपि जावत, कि मैं क्या करूं, जो सबसे अधिक तेज में जाने वाला, जो मन के भी तेज में जाने वाला जो गरुड़ जी है, उनसे भी तेज में, तेज गति में जाके मैं द्वारिका पहुंच जाऊंगा, अन्यत्र मेरा कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार का वैराग्य का बात केवल हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में ही विशेष करके सुनने के लिए मिलता है। अब इसमें प्रश्न आता है, ये राधा रानी भाई है कौन, तो विशेष करके श्री सारे शास्त्रों के जो निचोड़ है उसमें बता रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्मादिगम देह भेदम गतो थो, कि श्री राधा कृष्ण के ये जो कृष्ण के जो प्रणय विकृति, कृष्ण के जो पूरा प्रेम जब घनीभूत अवस्था में आता है, जो महाभाव स्वरूप ही हो, महाभाव अवस्था में जब पहुँच जाता है, तो उसको एक स्वरूप दिया जाता है, वो कौन है ना, वो श्रीमती राधा रानी है। तो उसी प्रकार कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति, तो दोहे मध्य भेद नहीं, इन दोनों के मतलब में, मतलब कृष्ण में और राधा रानी में विशेष करके कोई भेद नहीं, केवल देह मात्र भेद है, देह भेद गतो तो शास्त्रीय प्रमाण, शास्त्र में ये प्रमाण करके बता रहे। तो ये कृष्ण के लिए जहाँ पे स्तुति करते हैं, जम ब्रह्मा वदंती वेदे प्रधान पुरुष, जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंती देवे, कृष्ण के लिए ब्रह्मा शिव जी स्तुति करते हैं, उस कृष्ण किसको स्तुति करते हैं, बता रहे हैं कि जो राधार शब्द का जो अर्थ है उसको अगर हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे तो उसमें बता रहे हैं कि कृष्ण न आराध्यति इति राधा, कृष्ण जिसको आराधना करते हैं, शिवजी ब्रह्मा जिसको आराधना करते हैं वो कृष्ण, लेकिन कृष्ण किसको आराधना करते हैं वो कौन है ना, ये श्रीमती राधा रानी है। यहाँ तक कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद बता रहे हैं कि तस्या चरणा रेणु चूर्णम, कि उनके अगर किसी को अगर कृष्ण को अगर वशीभूत करने के लिए चाहो कि तस्या चरणा रेणुम चूर्णम वशीभूतम, वशीभूत करने के लिए एकमात्र उपाय है कि ब्रज से कहीं एक जगह पे धूल को उठाओ और कृष्ण के ऊपर छिड़क दो और पूर्ण रूप में वशीभूत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार राधा रानी का महिमा है। तो शास्त्र में बता रहे हैं इस राधा रानी के लिए ब्रज में नारद जी बने नारद कुंड, उद्धव जी बने उद्धव कियारी, शिव जी बने गोपेश्वर, ब्रह्मा जी बने ब्रह्माचल पर्वत, और जितने भी श्रुति शास्त्र थे ये बने गया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि ये तपस्या करके बस ब्रज में केवल एक धूल, ब्रज में केवल एक लता वृक्ष की कल्पना करते हैं, लेकिन ये कृष्ण क्या चाहते हैं। अब कृष्ण बोल रहे भाई तुम लोग सारे सारे जितने भी देवादेवी कुछ ना कुछ बन चुके हो, अब मैं क्या बनूं। राधा रानी का महिमा को बता रहे हैं किसी प्रबोधानंद सरस्वती, जत किंकर ईसु बहु स खलु काकुवाणी नित्य परस्य पुरुषस्य शिखंड मौलो तस्या कदारस निधि वृषभान जाया तत्केली कुंज भवांगन मार्जनीश्याम, कि मैं हे राधिके मुझे कोई बड़ा चीज नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ा बनना नहीं है, कोई कुंड कोई कियारी कोई गोपी स्वरूप भी नहीं बनना चाहिए, मैं तो आपके जो श्री जी के जो महल है उसी आपके महल में केवल एक जो मार्जन श्याम, मार्जनी मतलब झाड़ू, मैं तो उस झाड़ू का केवल एक सीक मात्र बनना चाहता हूँ। इसी प्रकार ये राधा रानी का महिमा है, जिसके लिए ब्रह्मा बोलते हैं, कृष्ण के लिए ब्रह्मा बोलते हैं, जानंतु एव जानंतु, कोई अगर जगत में बोले कि मैं पूरा कृष्ण को जान चुका हूँ, तो चतुर्मुख वाला ब्रह्मा बोलते हैं कि भाई जगत में अगर कोई बोले कृष्ण को कोई जान लिया तो उसको जान लेने दो, लेकिन मैं ब्रह्मा, अगर मुझे अगर कोई कहीं पे राधा रानी कृष्ण के सामने खड़ा किया जाए, मैं ब्रह्मा जगत पिता होते हुए भी कृष्ण के महिमा को नहीं जान सकता, लेकिन अगर उसी ब्रह्मा को राधा रानी के सामने खड़े किया जाए तो वो तो मूर्छित ही हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी की तो बात छोड़ो, जब कृष्ण भी राधा रानी के सामने आते हैं तब कृष्ण के क्या होते हैं ना, बंसी, बंसी गिर जाता है, कृष्ण के मोरपंख स्कलितम, मोरपंख उनका स्कलित हो जाता है, उनका पीताम्बरी गिर जाता है, यहाँ तक कि
सामने की बात तो छोड़ दो, बता रहे हैं कि जस्या कदापि वसनांचल खेल नित्य धन्य धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदन अपि तस्या नमस्त वृषभानु भुवो दिशोपि। बता रहे हैं कि श्री प्रबलानंद सरस्वती पाद ये तुंग विद्या सखी एक इस भाव में इस श्लोक को बता रहे हैं कि राधा रानी कहीं पे बैठे हुए हैं और उनके जो आंचल से वस्त्रांचल से अगर हवा कोई पवन आके अगर हवा अगर कृष्ण को स्पर्श करे तो योगेंद्र दुर्गम मधुसूदन अपि योगियों के लिए भी बड़ा दुर्गम प्राप्त दुर्गम गति मतलब बड़े साध्य वस्तु कृष्ण प्राप्ति। तो वो श्री कृष्ण क्या करते हैं जैसे ही राधा रानी का उस आंचल से वो हवा आके कृष्ण को स्पर्श करता है तो कृष्ण अपने आप को क्या करते हैं भुवो दिशोपि धन्याति धन्य अपने आप को धन्य मानते हैं और उसी दिशा को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार के कृष्ण की महिमा है, इस प्रकार के कृष्ण हर समय आराध्यते इति कृष्णेनम मतलब हर समय राधा रानी का आराधना करते हैं, इस प्रकार श्री राधा रानी का महिमा है। अब बता रहे हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव गुरुवर्ग विशेष करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि राधा रानी के जो महिमा है उसको राधा रानी के जो महिमा है उसको राधिकार तरह सतवरयामी से दुख प्रलय सम से दुख हमारे सह राधे रानी के लिए अगर हम राधा रानी को छोड़ के हम क्षण मात्र भी नहीं रह सकते, क्षण मात्र भी क्या अगर थोड़े देर के भी राधा रानी हमारे को अगर चरण से दूर कर दे तो हम क्या करेंगे हमारा उस जो समय है उस जो स्थिति है वो क्या होगा हमारे लिए तो प्रलय हो जाएगा। तो इस प्रकार का भक्ति विनोद ठाकुर ने भाव दिखा रहे तो हमारे गुरुपाद पद्म गुरुवर्ग ने भी विशेष रूप में जो राधा दास्यम का लालसा दिया है राधा दास्यम का जो भाव को दिया है तो श्रील गुरुपाद पद्म एक बात को बताते हैं कि उनके जो गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ये हर समय एक चीज को बताया करते थे कि हमको राधा दास्यम बनना है राधा रानी के दासी बनना है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि तवे वास्मिन नजीवात में तुम्हारे बिना कि हे राधा रानी तुम्हारे चरण के बिना तीन बार बता रहे हैं तुम्हारे चरण के बिना मेरा अन्य कोई गति नहीं है अन्य मेरा और कोई भी स्थिति नहीं है ना मेरा अन्य किसी से लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अगर कोई अगर मुझे बोले कि राधा रानी से को छोड़ के अन्यत्र कहीं चले जाओ तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे उससे राधा रानी को चरण छोड़ के हमारा किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है तो बता रहे हैं कि सख्यति दास्यस्तु सख्यति मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यस्तु इति मम नमस्तु नमस्तु सत्यम। तो बता रहे हैं कि अगर कोई मुझे बोले कि मैं राधा रानी के सखी बन जाऊं कि तुम सखी बन जाओ तो मैं कभी सखी नहीं बनूंगा। क्यों सखी नहीं बनूंगा मैं दासी बनना चाहता हूं हर जन्म में मैं राधा रानी का दासी बनना चाहता हूं। क्यों ये सखीगण क्या होते हैं ये हर समय राधा रानी के पास रहते हैं राधा रानी इनसे के लिए बिलास आदि करते हैं और कभी गलती कर दिए सखीगण तो ये कभी उनको दंड नहीं देती क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो दासीगण होते हैं वो अगर कभी गलती कर दे तो राधा रानी इनको दंड देते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं अगर जो आपके श्रीमुख से जो दंड का विधान है जो दंड रूपी जो कृपा है जो बात्सल्य प्रेम है ये सखियों के लिए नहीं है ये तो केवल दासियों के लिए है। तो उसी दास्य भाव को देने के लिए हमारे गुरुपाद पद्म हमारे गुरुवर्ग विशेष करके आए इस जगत में और समय हो गया गुरु बस इतना प्रार्थना करता हूँ कि गुरुपाद पद्म के चरण छोड़ के विशेष करके हम जैसे कामी क्रोधी लोभी और राधा दास्यम अगर हम प्रार्थना करेंगे तो धृष्टता होगा तो वो हम केवल इतना प्रार्थना करते हैं कि हम केवल गुरुदेव के चरण को छोड़ के कभी भी अन्यत्र किसी स्थान पे नहीं जाएंगे। गुरु के चरण सिवा अन्यत्र हमारा कोई गति नहीं है और गुरु के चरण ही सर्व सिद्धि है। इसी प्रकार के प्रार्थना करके मैं अपने बांछा करके त्रिशूल का आसन बहुत सुंदर वेरी गुड इनको अगर मौका दिया जाए तो आज की पूरी सभा के कवर कर सकते हैं इनके पास मैटर है। अभी मैं अजय जी को उड़ान भरते हुए जो नीचे आए हैं अभी पायलट साहब उनका माइक है पीछे
ये हमारे विजय कृष्ण प्रभु के द्वारा शारद की हुई गुरुदेव की स्मृतियों का कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से चला रहे हैं, और जो शुरू तो किया था विजय कृष्ण प्रभु ने और उन्होंने इनको संचालन दिया। उस कार्यक्रम के कारण हमारा ये सारा का सारा वर्ष गुरुदेव का बहुत ही सुंदर रूप से सुचारू रूप से एकदम भक्तों की महिमा के द्वारा, भक्त जो गुरुदेव की महिमा करते हैं उसके द्वारा भरा हुआ है। तो इनको तालियों से इसके लोग हवा में जाके उड़ते हैं, ये जमीन पे आके उड़ते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सश्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानुग गुरु परंपरा गुरुवर्गों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मंच पे आसीन सभापति महोदय, हमारे पूज्य भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, संरक्षक महोदय, सही है संरक्षक महोदय, हमारे पूज्य भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज जी, पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु, पूज्यपाद विजय प्रभु और नवीन प्रभु, संजय प्रभु, सभी महानुभाव वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये शुभ पीरियड ही चल रहा है। राधाष्टमी, जन्माष्टमी से ही धूमधाम मची है और मैं बैग लेके यहाँ आ जाता हूँ दो चार दिन के लिए इनके आश्रय में, पूज्य रामचंद्र प्रभु जी के। तो हम देखते हैं स्वतः ही सभी तरफ पूरे दुनिया में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत उत्साह के साथ। लेकिन ये जो राधाष्टमी है ये बड़ा छुपा हुआ चीज़ है। गुरुदेव जी अपने लेक्चर में कह रहे थे, अरे भाई भजन करना है तो तरीके से करो, ढंग से करो, विधि पूर्वकम, ऐसे नहीं कि कुछ भी ओ गॉड गिव मी माय डेली बटर, कहते ये भजन नहीं है। बल्कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये भजन में बाधा है। हम इस चीज़ को भजन मानते हैं, लेकिन महाजी यहाँ पे कह रहे हैं ये भजन में बाधा है। जो प्रेम तुम आगे कर रहे हो उसको तोड़ देगा। तो भजन करने के लिए कृष्ण तो बहुत ऊंचे तत्व हैं, हम सब उनको देख पाना भी समर्थ नहीं, हमारे सामर्थ्य नहीं है। हमारी तो क्या, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहु निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुखी व्यास रटे पछे पाछे पुनि पुनि पार न पाए, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच न चाहे। ऐसे जिसको शेष महेश गणेश दिनेश ये लोग पार नहीं पाते, नारद सुख व्यास कर नहीं पाते, उसी को गांव की छोरियां छछिया भरी इतनी सी छाछ के लिए डांस करा रहे हैं, भाई नाच दिखाओ फिर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेगा। तो क्या उनके पास टेक्निक है, क्या विधि है उनके पास? देखो ये जो हमारा रमण विहार गौड़ी मठ है ये साधारण मंदिर नहीं है, राधा रानी का कुंज है, साक्षात कुंज, और हमारी राधा रानी की सेविका वो वहाँ जो बैठी हैं उन्होंने स्थापित किया है। ये राधा रानी को यहाँ प्रकट किया गया है, ये ठाकुर जी यहाँ प्रकट हैं, तो ये कुंज है। तो इसमें गुरु जी कह रहे हैं वो सीक्रेट चीज है, कृष्ण की एक कमजोरी है तो बहुत ऊंचे तत्व, लेकिन हर व्यक्ति की कमजोरी होती है। आपने मूवीज में देखा होगा हीरो की कमजोरी विलन को पता चल जाती है तो बस उसी से उसको काबू में कर लेता है, कभी उसकी वाइफ को रख लेगा, कभी उसके बच्चे को उठा लेगा, क्योंकि उसको नब्ज पता चल गई कि इसकी नब्ज यहाँ पे है। ऐसे ही भैया कन्हैया का भी नब्ज है, अगर वो आपको पता चल जाए ना फिर कन्हैया भागे भागे आपके पास आएंगे।
क्योंकि आपने उनकी नब्ज पकड़ ली, और नब्ज हमको बता रहे हैं हमारे गुरुदेव, इनको पता है कौन सी नब्ज कहाँ दबाना है, कहाँ पकड़ना है, कन्हैया को। बहुत गहरा लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता कृष्ण तक पहुँचने का, पहुँचते पहुँचते हजारों जन्म बच जाएंगे, वो ऊँची पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा, बहुत चढ़ाई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें से सीक्रेट रास्ता जानते हैं, बहुत ऊंचा पहाड़ के पीछे कहीं जाना हो तो पहाड़ को चढ़ते 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 आदमी मर जाए रास्ते में। लेकिन एक ऐसे हमारे पास हमारे गुरुदेव हैं जो एक सुरंग जानते हैं जो कि 10 मिनट में पहुंचा देगा, शॉर्टकट तरीका, उसे कह रहे हैं विधि से करो, ऐसे नहीं कि लगे हो करे जा रहे हो, करते रहो 3 लाख हरिनाम, गुरुदेव कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। लेकिन विधि अगर आ गई, टेक्निक अगर आ गई, तो टेक्निक हर चीज़ है, हर चीज़ में, गेम भी खेल लो टेक्निक से करोगे तो, नहीं तो बहुत जोर लगाओगे जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर तरीका तुम्हें आ गया, कहाँ मारना है, कहाँ चोट करनी है, क्या करना है, तो वो तो क्या राधिका कृष्ण की कमजोरी क्या है, देखो हम लोग राधा जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, आज समय कम था इसलिए मैंने बोला नहीं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, कहीं कृष्ण का नाम आया, कहीं नहीं आया। अब कृष्ण का प्रणाम मंत्र लो, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण खुश तो होंगे, करुणा के सिंधु है, सागर है भैया, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो, ठीक है उनके कान में जूनी लगेगी इस बात से, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते भी बोल दो, पूरे जगत के आप पति हो, ठीक है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, गोपेश जैसे गोपेश बोले घंटी बजनी शुरू हो जाएगी, टन टन, कौन किसने बोला भैया, गोपी का कान तब तक एकदम कान खड़े हो जाएंगे, और जब राधाकांत बोलोगे तो पिघल जाएंगे, नमस्ते तो। राधाकांत जब उन्होंने सुन लिया पिघल गए, कौन है भैया ये बुलाओ इसको, कहाँ है। गुरुदेव कीर्तन की व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं कृष्ण की महिमा ब्रजवासियों से है, और कोई महिमा नहीं है, क्या बोलोगे, अभेद अच्छेद क्या उससे फर्क पड़ता है, उनको बोलते रहो, उनको सुनने वाले नहीं है ये, कोई उनको ये चीज हिलाती नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों का जहाँ संबंध दे दो, जैसे हमारे ब्रजवासी यहाँ हमारे गुरुदेव, वो संबंध अगर आ गया तो फिर करंट लग जाता है। इसलिए कहते हैं हमारे गोविंददास जी ने गाया, जय नंद नंदन, हे नंद के पुत्र, कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, अरे मैं नंद का बेटा, ब्रज में चले गए। लेकिन अभी ठीक है, अभी कमी रह गई, गुरुदेव कहते हैं थोड़ी, जय नंद नंदन गोपी जन वल्लभ, आ और थोड़ा उनका हाथ थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन पूरा अभी उन्हें क्षण लगा, जय नंद नंदन गोपी जन वल्लभ राधा नायक, जब राधा नायक बोले तो ओहो अब तो कृष्ण एकदम प्रसन्न फुल, और जब नागर बोल दिया राधा नायक नागर शाम, नागर का मतलब गुरुदेव बताते हैं बड़े सुंदर तरीके से, नागर मतलब जो अपनी प्रेमिका के पूरा वश में हो, हम लोग बोलते हैं ना साधारण भाषा में जोरू का गुलाम साधारण भाषा है, लेकिन ये हमारे पास क्योंकि उस ऊंचे पहुंचने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन ये कृष्ण जो है पूरे के पूरे कंट्रोल में, इसलिए तो उनको बोला गया राधा दामोदर, राधा जी ने गांठ बांध के बांध रखा है, उनकी संपत्ति है कृष्ण, जिसको चाहे लुटा दें। इसलिए अगर राधा जी के चरणों में हम गिरेंगे तो शॉर्टकट मिल जाएगा, लेकिन उस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो मिल गया सुरंग तो दे दी, उससे भी शॉर्टकट मिल जाएगा राधा जी के चरणों में गिरने का तरीका भी। तो यहाँ कह रहे हैं आज हमारी ललिता देवी जी का आविर्भाव तिथि है, और ललिता देवी जिस गण में है, हमारे गुरुदेव उनके गण में है, और हम लोग भी उनके गण में प्रवेश करने की भरसक प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से हमें भी खींच लें, नहीं तो हम हवा में उड़ रहे हैं, कभी जमीन पर आ रहे हैं, प्रभु जी ने कहा ना यहाँ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर गुरुदेव तैयार कर दें तो हमें हाथ पकड़ के खींच सकते हैं, अगर हमारी इच्छा भी हो, परम दयालु है महाराज। तो ये जो ललिता सखी है ना, ये बहुत, ये एक और चाबी है, गुरुदेव कह रहे हैं कि पूरे के पूरे कहीं भी अगर किसी भक्त के हृदय में ऐसे भाव आते हैं कि मैं राधा रानी की सेवा करूं, ऐसा अगर उनमें इच्छा पैदा हो जाती है, एकांतिक इच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे साइड इच्छा नहीं, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, एकांतिक और साइड की क्या बात है, साइड का मतलब यह है कि भाई झाड़ भी उड़ाऊं, मौज भी करूं, ठीक है राधा रास्ते में मिल जाए फिर काम नहीं बनेगा, एकांतिक महाराज जी कह रहे हैं। अगर किसी भक्त के मन में एकांतिक इच्छा आ जाए कि मैं राधा रानी की सेवा करूं, तो इनके कान खड़े जाते हैं ललिता जी के, ढूंढती है कहाँ कौन सा है, ढूंढ के निकाल, अच्छा आपको आ जाओ,
फटाफट इसको खुश कर देते हैं। तो इसलिए अगर हमारे मन में ऐसी पहली बात इच्छा ना तो दुर्लभ है, संस्कारों से आती है, गुरुदेव की कृपा से आती है। तो ऐसी इच्छा पैदा हो, एकांतिक इच्छा कि हमें राधा दास से ही चाहिए। अभी किसी ने कहा राधा दास से बहुत बड़ी चीज, बड़ी तो है लेकिन है तो सही हमारे लिए, हमारे गुरुदेव भी कोई छोटे हैं? अरे ऐसे गुरुदेव तो बड़ी चीज देंगे, क्या छोटी चीज़ देंगे? हमें क्या लड्डू खिलाएंगे, गोलगप्पे खा लो जो काम हो जाएगा ये देंगे हमें, जो दुनिया पूरी दुनिया कर रही है। इतने महान आचार्य हमें मिले हैं, राधा रानी की सेविका हैं साक्षात, वो हमें ये आराम से दे सकते हैं, उनके लिए चुटकी का खेल है। खाली हमारी इच्छा तो हो, इच्छा नहीं होती बस, इच्छा अनेक चीज़ों की होती है। सारे के सारे मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई ज़्यादा अनुभवी नहीं हूँ, इतने सारे अनुभवी संत बैठे हैं जो बहुत आगे बहुत कुछ जीवन में अनुभव कर चुके हैं, बहुत कुछ उन्होंने दर्शन किया है, बहुत कुछ प्रवेश किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी इच्छा प्रॉपर हो गई, इसलिए गुरुदेव पूरे जीवन भर यही बताते रहे राधा दास राधा दास राधा दास। क्यों? क्योंकि ये इच्छा हो गई, ये बीज है, ये बीज जो है वो खींच के ले जाएगा, ये खींच लेगा इसे। अगर प्रबल इच्छा हो गई और एकांतिक इच्छा और कुछ नहीं इसके अलावा, तो ऐसी हमारी राधा रानी, ऐसी हमारी ललिता देवी जिनका जन्म गुरुदेव कह रहे थे करहेला गांव में हुआ। ललिता जी का जन्म करहेला गांव में, और उसके बाद ये आगे ऊंचा गांव में जहाँ पे कि इनकी लीलाएं हुई, और फिर बहुत सुंदर सुंदर स्थान है ब्रज में, अलता पहाड़ी ऊंचा गांव और सखीगिरी पर्वत, वहाँ पे इनका विवाह कराया गया। गुरुदेव बड़े सुंदर सुंदर बताते हैं कैसे सखियों ने इनको बांध दिया, ललिता जी को, छोटे छोटे बच्चे थे खेल रहे थे, किसी सखी ने कृष्ण की वो पीताम्बर पढ़ के ललिता जी की गांठ बांध दी, और उधर विशाखा जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए विवाह के मंत्र। ये बड़ी शर्माई, उठ के भागी, अब भागी तो अटक गया, बंधा हुआ था कृष्ण से जाएंगे कहाँ। तो इस तरह से बहुत मधुर मधुर ब्रज में ऐसी लीलाएं होती हैं कृष्ण की, ब्रजवासी और स्पेशली राधा रानी और उनकी सेविकाएं। हम लोग इस शुभ अवसर पर ऐसी राधा रानी के और ऐसी राधा रानी की सेविका के, स्पेशली जिनका कि 100 वर्ष के चल रहा है, इस समय महाराज जी बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु, भंडार खोल रखा है, जिसको चाहिए ले जाओ, क्योंकि सब अपने बर्थडे पे दयालु हो जाते हैं। स्पेशल हम भी होते हैं, हमारे बर्थडे को गिफ्ट ला दे तो कितने खुश हो जाते हैं, अरे इसको क्या करूँ मैं। अब गुरुदेव का 100 है तो गुरुदेव बड़े पूरे साल भर दयालु हैं, बड़ी अच्छी विंडो है, अपॉर्चुनिटी की विंडो, जिसके का हम लाभ उठा सकते हैं उनके प्रति समर्पण करके, उनके प्रति अपने को कनेक्शन बना सकते हैं अपना। अगर वो कनेक्शन बन गया तो गुरुदेव सब देने में समर्थ हैं, सब कुछ बड़े आराम से। तो हम लोग को चाहिए कि ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम लोग समर्पित हों, अपने पूरे भाव से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से, पूरे जोर से, जो भी कुछ हमारे पास है सब कुछ से उनके प्रति समर्पित हों, दिन रात उनको स्मरण करें, उनके चरण में प्रार्थना करें कि वो जो राधा दास का उपदेश हमें दे गए हैं उसका अनुभव भी कराएं, कुछ कुछ छींटे भी बरसे हमारे ऊपर उसके, खाली सुन सुन के ना रहें उसको, हम बाहर बाहर से खाली दर्शन ना करें, कुछ कुछ प्रवेश भी हो। तो ऐसी कृपा, ऐसी अगर हम प्रार्थना करेंगे कातर गुरुदेव होकर गुरुदेव के चरणों में, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुदेव अवश्य ही हम सब पे कृपा करने को उतारू हैं। वो करेंगे ही नहीं बल्कि वो तो करना चाहते हैं, बहुत रेडी बैठे हैं। इसलिए हमारी तरफ से ही कमी है, हमारी तरफ से ही ढील है, हमारी तरफ से ही नासमझी है, हमारी तरफ से ही मूर्खता है। अगर हम थोड़े ठीक हो जाएं तो गुरुदेव के प्रति हमारा सामंजस्य बैठ जाए, कनेक्शन बढ़िया हो जाएगा। तो सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप लोगों के भी चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। एकांतिक और अनन्य भक्ति का मतलब हमें समझना है, अन्य का मतलब अन्य नहीं। हमारे यहाँ एक मान्यता है कि भैया मैंने तो गुरु कर लिए, अब मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। गीता में भगवान कहते कहते हैं जो कुछ किया है वो बोले छोड़ दो, सर धर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ। हमारे रामानुज संप्रदाय के चार जन थे, वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती
और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब रामानुज संप्रदाय से दीक्षित और लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। लेकिन महाप्रभु जी इनके यहाँ 4 महीने रहे, खाली 4 महीने चतुर्मास में सबको गोपाल मंत्र से दीक्षित करके उनको कृष्ण भक्ति में बुला लिया। जिगरा होना चाहिए छोड़ने के लिए, अगर पकड़ना है तो इसे अनन्य कहते हैं। अगर हम चाहें कि पान भी खाते रहें और रसगुल्ले का भी स्वाद लें तो ले नहीं सकते। पान को क्या करना पड़ेगा, तो ही रसगुल्ले का स्वाद मिलेगा। अब मैं हमारे पर्दे के पीछे संचालक जो हैं, पर्दे के पीछे जो दिखते नहीं हैं, विजय कृष्ण प्रभु, ये सारा कुछ वो संचालन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अब उनके लिए मैं मिनट क्या दूं, मैं खुद देख रहा हूं, वो खुद ही मिनट बना रहे हैं। मिनट समझते हो ना, जब कोई भी संस्था होती है तो उसके मिनट बनते हैं ना, वो खुद ही मिनट बना रहे हैं, तो उनके लिए मिनट क्या करना है। गुरवे गोवर्धनराय राधिकाये पधारे, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी श्री गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, भजामि राधामनविंद नेत्रां, स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां, वदामि राधां करुणा भद्रं, ततो मम नास्ति गतिर्न कापि, तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना, इति विज्ञय रावे त्वं विज्ञयमामि शरणान्तिके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी श्री गुरु महाराज की। सबसे पहले मैं अपने परम आराध्यतम श्री रूपानुप्रभ श्री राधा चरणों में परम निष्ठावान श्री राधा जी के प्रेम में, श्री राधा जी की सेवा में सदा ही तन्मय श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में मैं अपने अनंत कोटि बार साष्टांग वंदन प्रणाम समर्पित करता हूँ और उनकी भाईपुरी कृपा भिक्षा मानता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग श्री गुरुवर्ग जनों के चरणों में भी, सचिनंदन गौर हरि श्री राधा विनोद प्यार रमन बिहारी के चरणों में भी मैं अहितुरी कृपा भिक्षा मांगता हूँ। और इस राधाष्टमी के उपलक्ष्य में ये 3 दिन के कथा रूपी सभा में उपस्थित पूजनीय श्री सभापति महोदय पूज्य पाद कर्तव्य सिद्धांति महाराज जी, सभा के संरक्षक पूजनीय भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, सभा के संचालक पूजनीय श्री रामचंद्र प्रभु और हमारे पूजनीय उमा देवी, पूजनीय शांत महाराज, संजय प्रभु, नवीन प्रभु, पैरक प्रभु और उपस्थित सभी ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा कृतयोग्य दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की ये शताब्दी साल में श्री रमन बिहारी श्री गौड़ीय मठ में और श्री राधाष्टमी तिथि के उपलक्ष्य में ये बड़ा ही महती सभा यहाँ पर चल रहा है और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। श्री गुरुदेव की कृपा पात्र जन अपना बहुमूल्य समय निकालते हुए श्री गुरुदेव के प्राण स्वरूप
केंद्र स्वरूप श्री रमन बिहारी सिंह मठ के प्रांगण में नाट्य मंदिर में श्री राधा जी के जो तत्व है उनकी महिमा है जो श्री गुरुदेव से हम लोगों ने श्रवण किया है उन सब विषयों को निरंतर गान करने श्रवण करने के लिए और सुनाने के लिए हम लोगों के समक्ष एकत्रित हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य रोज रोज नहीं मिलता है ना, और विशेष करके बहुत समय के बाद ये वैष्णव सम्मेलन हुआ है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा कि दर्शने पवित्र करो है तो मार गंगार परश हो पश्चाते पाव दर्शने पवित्र करो यही तो मार। तो वैष्णवों के दर्शन मात्र से ही हमें क्या होता है, होना क्या चाहिए कि वो किस प्रकार से श्री गुरु की सेवा किया, किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से साधन भजन में उनकी निष्ठा है, वो देख करके हमें भी मन में प्रेरणा मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वैष्णवों का संग हुआ, किंतु यदि वो नहीं होकर के यदि दोषी दिखाई देता है फिर तो ये हम लोगों का परम दुर्भाग्य। इसीलिए ये वैष्णव सम्मेलन है जिसमें हम वैष्णवों को देख करके थोड़ी प्रेरणा प्राप्त करें। हम सब लोग करते तो हैं भजन, किंतु कभी कभी ढीले हो जाते हैं, नींद आ जाता है, थोड़ा शिथिलता बीच बीच में आता रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि बीच बीच में वैष्णवों का संग हो, हम देखें कि पूरा दिन कथा कीर्तन में लगे हैं, सुबह 3 बजे से जगे हैं, लाख नाम जाप रहे हैं या 16 नाम जाप रहे हैं या जितना संभव है कथा कीर्तन में लगे हुए हैं और निरंतर डूबे हुए हैं, तो प्रेरणा नहीं मिलेगा। हमको जरूर प्रेरणा मिलना चाहिए। तो ये सम्मेलन के पीछे और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है कि हमें प्रेरणा मिलती रहे, क्योंकि प्रेरणा नहीं मिलेगी तो माया हमें प्रेरणा देती। तो इसलिए माया हमें प्रेरणा ना दे तो चित्तबल चित्त शक्ति हमें प्रेरणा देते रहे, तो इसलिए समय समय पर ये वैष्णव सम्मेलन होते रहना चाहिए। सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो हैं समय अपना निकालते हुए बीच बीच में इस प्रकार चलते रहे कथा कीर्तन। सभी श्री वैष्णवों से निवेदन है, प्रार्थना है। तो श्री गुरु महाराज जी के मुकारविंद से श्री राधा जी के तत्व के बारे में हम लोग सुनते हैं, सुने हैं और सुन भी रहे हैं। तो वास्तव में श्री राधा जी की महिमा कौन कह सकते हैं है? श्री राधा जी तो कोई साधारण तो है ही नहीं कि हम अपने जड़ नेत्रों से जड़ जिह्वा से उनकी महिमा को कह दें। जिस राधा जी के महिमा को समझने के लिए सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहद भागवत काम लिखा, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, लास्ट में जाके भक्ति रसायन लिखना पड़ा तो भी तृप्ति नहीं हुई। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में थोड़ा सा लिखा, तृप्ति हुई नहीं, उसके लिए सेपरेट लिखा तो भी संतुष्टि हुई नहीं। दग्ध माधव ललित माधव तो भी संतुष्टि नहीं हुई स्तव में। तो हम लोगों ने श्री गुरु महाराज जी को देखा, श्री गुरुदेव से हमने सुना भी है कि घंटों घंटों बैठे रहते के चिंतन में खोए रहते। तो श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं ही कहा कि मैंने भी परम गुरुदेव को देखा कि हम प्रसाद ला रहे थे तो थोड़ा सा देर हो गया, तो हमने देखा परम गुरुदेव बैठे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, समझ आया क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण की सेवा रूपी जो प्रेम है किस प्रकार से श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जाए और प्रकार से सब समय श्री कृष्ण की सेवा किया जाए, उस प्रेम माधुरी का, सेवा माधुरी का
चिंतन करते करते समझने का प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह से रसास्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी संतुष्टि नहीं हो रही। तो वैसे श्री राधा जी की महिमा, जो राधा निष्ठ गुरु महाराज जी के संबंध में क्या कहना सब लोग जानते हैं, जो मेरे जैसे मायाबद्ध जीव भी समझ पाता है गुरु कृपा से, किसी गुरु महाराज जी के रोम से, रोम रोम से केवल और केवल राधा 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 ही निकलता है। यदि किसी ने इसका ये मर्म का किसी ने स्पर्श किया है यदि, तो समझ पाएंगे कितना उनका राधा जी के चरणों के प्रति कितनी निष्ठा है, हम कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। जिस निष्ठा के, जिस समर्पण के प्रभाव से पूरे विश्व को, भले ही लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं तो भी सबके मन में समझा ही दिया कि राधा कृष्ण कौन है, राधा जी कौन है, राधा जी के चरणों की सेवा की महिमा क्या है। ये कोई साधारण चीज नहीं है और ये मजाक भी नहीं है कि हम खेल खेल में समझा दें किसी को, किंतु श्री गुरुदेव ने बड़े ही मधुर सहज शब्दों में श्री राधा जी के तत्व को, राधा जी के महिमा को सबको समझाया। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी की कृपा के बिना राधा तत्व को, राधा जी की महिमा को, और बार बार जो हम कह रहे हैं राधा जी के चरणों की किंकरी बनना है, दासी बनना, ये हम नहीं समझ सकते। गुरु वैष्णव कृपा के बिना इस चीज को हम समझ नहीं सकते, किंतु वो सहज रूप में ही जो सरल समर्पित व्यक्ति है, हैं, वो सेवक को वो ये सब संपत्ति देख करके चले जाते हैं, निश्चित रूप से ये संपत्ति देते हैं। और श्री गुरुदेव नहीं देंगे तो कौन ये संपत्ति देगा। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही हम राधा जी की महिमा को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी पाद जी श्री राधा जी के बारे में कहते हैं कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वखनी सर्वकांता शिरोमणि। बस इस एक ही प्यार में सारे राधा तत्व को सब कुछ उन्होंने कह दिया, जिसको समझने के लिए उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथों का जब तक हमें अनुशीलन नहीं होगा, अच्छे गुरुवर्गों से जब तक सुनेंगे नहीं, ये सब चीज हम समझ ही नहीं सकते। विशेष करके महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, राधा जी क्या है वो हम लोग लगातार सुबह और शाम श्रीमन बिहारी गौड़ी मठ में, तो सुबह और शाम कथा कीर्तन में हम लोग यही तत्व को समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये महाभाव स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है, कि राधा जी स्वयं प्रेम के मूर्तिमान विग्रह है, ये कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है श्री कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व सर्व सब प्रकार से जितने भी उनके इंद्रिय हैं, समस्त इंद्रियों के द्वारा 24 घंटा श्री कृष्ण की प्रसन्नता सेवा करने की सुतीव्र लालसा, छोटी मोटी नहीं, दीप्त सुदीप्त सुतीव्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की जो लालसा है, जो लालसा परिपूर्ण रूप में सेवा करने के बाद भी कभी महसूस नहीं होता है कि मैंने बहुत कर लिया, बस बहुत हो गया, उल्टा इतना सेवा करने के बावजूद, इतना कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की संग इत्यादि करने के बावजूद भी हमेशा मन में एक प्रकार का विरह या एक प्रकार की कमी महसूस होता रहता है कि मैंने तो कृष्ण को देखा ही नहीं, मैंने तो कृष्ण की सेवा की ही नहीं, मैंने तो कृष्ण को प्रसन्न कर ही नहीं पाई और मेरा जीवन व्यर्थ है। और दूसरी ओर लगता है
कि ये जो कृष्ण सार रूपी जो मृग है इसका जीवन धन्य है, क्योंकि इसने कृष्ण को ही अपने जीवन का सार इन्होंने बना लिया है और वो अपने पत्नी को कृष्ण सेवा में भेज देते हैं। जीवन हो तो कृष्ण सार मृग जैसा जीवन हो, जो कृष्ण सेवा में बिना बाधा के बिना रोक टोक के सब समय जब मन किया तब कृष्ण के पास जाकर के कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर है। जीवन हो तो बादलों जैसा जीवन हो, जो बादल जो है सब समय कृष्ण की परिस्थिति को समझ करके माहौल को समझ करके गर्मी के समय में धीरे धीरे फुव्वारे की तरह छाया भी देते हैं और पानी भी बरसाते हैं और सब समय कृष्ण के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार की सब चीजों को देख करके सब में लगता है कि वास्तव में इन सब का जीवन जो है धन्य है। गिरिराज जी का जीवन धन्य है, वो पुलिंद कन्या का जीवन धन्य है, और दूसरी ओर मेरा जीवन जो है व्यर्थ है, ना तो कृष्ण का संग हुआ ना कृष्ण की सेवा हुई। ये है मदनाट्य महाभाव की स्थिति कि मिलन में विरह और विरह में मिलन, सेवा के समय भी सेवा नहीं करने की सब समय एक प्रकार की भूख, ये केवल और केवल राधा जी में ही परिपूर्ण पराकाष्ठा मात्रा में प्रकाशित है। ये दूसरे में थोड़े थोड़े मात्रा में भले ही प्रकाशित है किंतु केवल श्री राधा जी में ही परिपूर्ण मात्रा में ये सेवा की पराकाष्ठा और इसकी परिपूर्णतम जो वृत्ति है, चाहत है, भूख है, केवल राधा जी में ही ये देखा जाता है। चौबीसों घंटा सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करने पर भी संतुष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण का राधा जी जो है अपने कमल नेत्रों से निहारने पर भी किंतु कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। ये है महाभाव की स्थिति जो हम शब्दों से समझ ही नहीं सकते हैं। श्री गुरु कृपा नहीं होगी हम कैसे समझेंगे। प्रेम की मूर्ति है तो प्रेम क्या चीज है, क्या है प्रेम? एक लड़का लड़की का थोड़ी ना प्रेम है, है? ये प्रेम सच्चिदानंद में वस्तु है और चैतन्य चरितामृत में समझाया गया कि संबित और ये लादिनी, ये दो वृत्ति जो है जब मिलते हैं तब ये भक्ति वृत्ति जगती है जिसमें संबंध ज्ञान भी है और सेवा की वासना भी है और सेवा से संतुष्टि भी मिलती है। जब ये दोनों वृत्ति जब मिलते हैं तब होते भक्ति, और वो भक्ति ही जो है श्रद्धा से लेकर के बढ़ते 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 भाव, भाव से फिर प्रेम, प्रेम से स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। तो इसीलिए कोई साधारण चीज नहीं है और गुरु कृपा के बिना हम समझ नहीं सकते। सर्व गुण कनी समस्त गुणों के खान, विशेष करके करुणां कुरुमयी करुणा भरीते, राधा जी से बढ़कर संसार में करुणा के घन मूर्ति इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। तभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि हे करुणा शक्ति मैं इस बार तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जहां तक फैल सकते हो, जहां तक तुम्हारा नेत्र पड़े वहां तक करुणा का विस्तार करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के करुणा के बिना हम राधा जी के करुणा को समझ नहीं सकते। कल भी हम सुन रहे थे और सर्व कांता शिरोमणि सब प्रकार के कृष्ण की सेविकाओं में हैं श्री राधा जी ही सबसे बड़ी प्रियतमा है, कांता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के सभी मनोवांछा को कृष्ण के चाहने से पहले ही श्री राधा जी उन सब कामनाओं की पूर्ति सेवा कर देती हैं। तो इसलिए राधा जी से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। श्री कृष्ण भी राधा जी के प्रेम के वशीभूत हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वास्तव में प्रेम के भूखे हैं,
तो इसीलिए श्री कृष्ण की यदि कृपा चाहिए तो राधा जी के चरणों की कृपा हमको चाहिए। तो इसलिए श्री भक्तिनोद ठाकुर जी ने लास्ट में कहा कि जे जन से जन जे भावे से भावे ताके अमित राधिका पक्षपति सदा कबू नाही हेरी ताके। इस प्रकार की निष्ठा जब मन में जग जाए तब हमारा जीवन धन्य है। इसलिए मैं गुरुपाद पद्म से वैष्णवों से प्रार्थना करता हूँ कि राधा जी के चरणों की सेवा तो लक्ष्य है भले ही, किंतु पहले श्री गुरु और श्री वैष्णवों की चरणों की सेवा दिन भर रात भर कर सकूं, परिपक्वता उसके लिए प्राप्त हो। सबसे पहले मैं गुरु वैष्णवों से इसी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और श्री गुरु वैष्णव कृपा करके कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते पारो तुमार शक्ति आचे अमितो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दायित्व पाचे पाचे। श्री गुरु वैष्णव कृपा करेंगे तो राधा जी के चरणों की सेवा खेल खेल में बड़ी सहज रूप से हमको दे सकते हैं। बोलो गुरु महाराज की, राधा रानी की। रामचंद्र पहुंच भी तो रह गए बोलने के लिए, कल तो बोला नहीं। साल तो वही बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, काफी है सकता है। ये ठग लिया हमको संचालक बना दिया। संचालक बनाना भी एक बहुत अच्छी बात है। संचालक का मतलब है जो अपना लेक्चर ना दे सके उसे संचालक कहते हैं, और जो अंतिम लेक्चर देता है उसे सभापति कहते हैं। देखो ये संसार और भगवान का संसार एकदम उसका विलट विपरीत है, एकदम विपरीत है। वहां राधा जी का संसार है, सारा राधा जी कृष्ण की शक्ति और खेल खेल चंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय अभी ठीक हो जाए कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णु पादाय
आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण वंदन जहा हित विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परम्परा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार्श सपरिकर शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हों। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जयुक्त हों। तदनंतर उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत शांत महाराज जी, श्रीपाद रामचंद्र प्रभु, श्रीपाद विजय प्रभु, अजय प्रभु, नवीन प्रभु, समस्त ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग विगत कुछ दिनों से हमारे गुरु महाराज जी की बड़ी ही मधुर स्मृतियों से सिंचित इस राधाष्टमी के उत्सव को मना रहे हैं। गुरु महाराज जी बड़े ही भाव के साथ में इस राधाष्टमी के उत्सव को मनाया करते थे। विशेष करके अपनी प्रकट लीला की अंतिम राधाष्टमी के दिन भी गुरु महाराज जी यहीं उपस्थित थे इसी स्थान पर, जहाँ तक मुझको स्मरण है। गुरु महाराज जी बड़े ही भाव के साथ में श्रीमती राधा रानी की बड़ी ही असमोर्द महिमा को वो अपनी कथा के माध्यम से परिवेशन किया करते थे। परम गुरु महाराज जी ने एक स्थान पर लिखा है, भाव ही भाषा के रूप में प्रस्फुटित होता है। ये परम गुरु जी ने अपनी लेखनी में एक स्थान पर लिखा, भाव ही भाषा के रूप में प्रस्फुटित है। हम जिस वस्तु का अनुशीलन करते हैं, जिस वस्तु में हमारी रुचि है, वो वस्तु, वो विषय, वो किसी ना किसी रूप में हमारे मुख से कभी ना कभी अवश्य ही प्रकट होगा। जिस वस्तु का हम अनुशीलन करते हैं, जिस वस्तु में हम रत हैं, तो गुरु महाराज जी का निरंतर अनुशीलन इसी वस्तु का था जो हमारे गौड़ीय साहित्य की, गौड़ीय राज्य की सर्वोत्तम विषय वस्तु है, श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की महिमा। अभी एक प्रभु जी बतला रहे थे तो एक बात स्मरण हो गई, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से शिला स्वामी महाराज जी के आश्रित एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, एक वैष्णव ने प्रश्न किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आए और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो सबसे निम्न कोटि के लोग हैं ना, सबसे निम्न कोटि के जीव, समझने की बात है, प्रश्न पूछा कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए और उन्होंने सबसे जो निम्न कोटि के पतित जीव हैं उनको भी सर्वोत्तम वस्तु दान कर दी, ऐसा कैसे संभव है? समझ में आ रही बात? श्री चैतन्य महाप्रभु ने, अरे दान करते तो योग्य व्यक्ति को दान करते हैं, किंतु सबसे निम्न कोटि के व्यक्ति को भी सर्वोत्तम वस्तु दान कर दी। तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप हो रहा था, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी उत्तर देते हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट के निकट में यदि कोई एक दरिद्र व्यक्ति जाए, एक भिखारी व्यक्ति, तो एक चक्रवर्ती सम्राट से क्या आशा करेगा कि वो उसको एक भूसे की बोरी दे देगा? क्या देगा एक चक्रवर्ती सम्राट? वो निम्न से निम्न भी कोई वस्तु देगा तो क्या दे देगा? वो भी कोई ना कोई बड़ी बहुमूल्य हीरा माणिक्य, कोई बड़ी बहुमूल्य वस्तु होगी। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं,
वो भी राधा जी के भाव में विभावित होकर, तो उनके निकट में कोई पतित जाए कोई अधम जाए तो महाप्रभु जी से क्या आशा करेंगे, वो क्या वस्तु दे देंगे? महाप्रभु से किसी निम्न वस्तु की आशा करेंगे ना, क्या आशा करेंगे? अरे जो उनका निजी धन है, जो उनकी निजी संपत्ति है और जिसकी कोई सीमा नहीं उनके निकट में, जिसको वो देने के लिए आए हैं वही तो देंगे ना। तो यही गुरु महाराज जी का वैशिष्ट्य है। जब हम इन कथाओं को सुनते हैं ना कि गुरु महाराज जी सदा सर्वदा भी, जैसा प्रभु जी बतला रहे थे विजय प्रभु, कि उनके रोम रोम से ये राधा 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 माने राधा जी की महिमा ही प्रकाशित होती थी, तो बहुत सारे लोग उनके इस वैशिष्ट्य को नहीं समझ पाने के कारण बहुत कुछ प्रश्न भी करते हैं। किंतु यहाँ पर यही सामंजस्य करने की आवश्यकता है, जो जिस वस्तु में धनी है वो उसी वस्तु का तो वितरण करेंगे ना। रूप गोस्वामी जी से हम क्या आशा करेंगे? उपदेशामृत, यही तो आशा करेंगे ना, क्या आशा करेंगे? यदि रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत भी लिखा तो रूप गोस्वामी जी का जो निजी धन है ना उसको उन्होंने उपदेशामृत में भी भर दिया। अंतिम श्लोक यदि देखोगे तो रूप गोस्वामी जी का हृदय वहां भी प्रकट हो गया। तो जो जिस वस्तु में धनी है ना वो उस वस्तु को दिए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि उसमें रचे पचे। यही गुरु महाराज जी का बड़ा ही विशेष वैशिष्ट्य है। जहां कहीं से जिस प्रकार से भी हरि कथा का आरंभ किया करते थे, उनका यह बड़ा ही प्रिय विषय वस्तु होती थी। श्रीमती राधिका की बड़ी ही अद्भुत महिमा का वो गुणगान किया करते थे। सदा सर्वदा श्रीमती राधिका के दास्य भाव को ही हमारे साधन भजन का लक्ष्य बतलाया करते थे। गुरु महाराज जी ने ब्रजमंडल परिक्रमा में इस बात को प्राय अपनी प्रत्येक कथा में ही वो इस बात को कहा करते थे कि हमारे साधन भजन का लक्ष्य क्या है, वो श्रीमती राधिका की पाल्यदासी होना। किंतु अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो लोग गुरु महाराज जी की कथा सुनते हैं उन्होंने सुना होगा। अब चारों ओर ये लक्ष्य तो निर्धारित हो गया कि हमको राधा जी की दासी होना, राधा जी की दासी होना, इसी की चर्चा हो रही है। किंतु गुरु महाराज जी ने अभी 2-3 दिन पहले की कथा में एक और बात कही। गुरु जी कहते हैं हम देख रहे हैं सब राधा जी की दासी होना चाहते हैं, अरे राधा जी की दासी होने से पहले रूप गोस्वामी जी का दास हो जाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दास हो जाओ। उनका दास होने के लिए कितनी रुचि है हमारी, है रुचि? रूप गोस्वामी जी का यदि दास होना होगा तो रूप गोस्वामी जी तो केवल दिन में 40 मिनट सोते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो एक प्रहर कुल मिलाकर के वो सोते ही नहीं थे। उन्होंने कभी अपनी जीवा को अच्छा भोजन नहीं दिया। महाप्रभु ने उपदेश दिया था भालो ना खाई गए और भालो ना परी गए। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं जब रूप गोस्वामी जी का दास होने की इच्छा करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दास होने की इच्छा करेंगे, तब देखना कैसी छटनी होगी। तब होगी छटनी वास्तव में कि कौन रूप गोस्वामी जी का दास होना चाहता है, कौन रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दास होना चाहता है। क्यों, राधा जी का दासी होना तो बड़ा अच्छा लगता, कृष्ण भी राधा जी के वशीभूत हैं, अरे झट से राधा जी की दासी हो जाओ, कृष्ण भी वशीभूत हो जाएंगे। तो गुरु जी कह रहे हैं हाँ लक्ष्य तो स्थिर कर लिया, किंतु राधा जी की दासी होने से पहले, रूप मंजरी जी की सेवा करने से पहले रूप गोस्वामी जी की सेवा करनी होगी, रूप गोस्वामी जी के आदर्श को लेना होगा। उसको लेने के लिए हृदय कितना प्रस्तुत है? हृदय प्रस्तुत? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कृतो है, ये सब क्रिया करने के लिए हृदय प्रस्तुत? सब कुछ त्याग दिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिस राजनीति को लोग बड़ा उन्नत समझते हैं उसको थुत्कार की वस्तु जान करके, कितनी बड़ी राजनीति आज के समय में, सभी चेष्टा कर रहे हैं जिस किसी प्रकार से भी राजनेताओं के साथ में संपर्क हो जाए, कितना लाभकारी होगा। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जड़ जगत के लोग जिसको सर्वोत्तम वस्तु मानते हैं उसको थुत्कार की वस्तु जान करके त्याग करके एक क्षण में चले आए। वो रूप गोस्वामी जी, वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, पहले उनका दास होने की चेष्टा कर लें, पहले उनके भजन आदर्श का कुछ अनुशीलन कर लें, तब तो जाकर के राधा जी की दासी होना, तब तो जाकर के रूप मंजरी जी की, रति मंजरी जी की दासी होना, ललिता जी के गण में अपना परिचय देना, ये तब हो पाएगा। तो जैसा अभी बतला रहे थे ना विधि पूर्वक, तो विधि क्या है भैया? गुरु महाराज जी कहते हैं यदि रूप मंजरी जी का जो धन है ना उसको प्राप्त करना है तो रूप गोस्वामी जी के भजन परिपाठी भजन साधन का अनुसरण करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं मिलेगा। ये हाथ में रखा लड्डू नहीं है जो ऐसे ही मिल जाएगा। गुरु महाराज जी ने कहा अपनी कथा में भक्ति करना बड़ा सरल है, लोग आते हैं ना परिक्रमा कर लो भक्ति हो गई, तो गुरु जी कहते हैं भक्ति करना बड़ा सरल है, ब्रज की भक्ति करना बड़ा कठिन है। ऐसे ही वशीभूत हो जाएंगे कृष्ण, अभी सुन रहे थे ना, यस्या कदापि वसनांचल खेलनुत धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थ मानी योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि त
तस्या नमोस्तु वृष भानु भुवो दिशेति। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी प्रणाम कर रहे राजा जी को, किंतु एक बात कही है, एक बात, योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि। योगिंद्र कौन है? यहाँ साधारण योगी की बात नहीं हो रही है। अरे साधारण योगी को क्या दर्शन मिलेगा कृष्ण का? योगिंद्र जो योगियों के इंद्र है ना, कौन है योगियों के इंद्र? शिवजी। उनके लिए भी बड़ी दुर्गम गति है ये मधुसूदन। तो शिवजी के लिए दुर्गम गति है, हमारे लिए सहज है? हो जाएगा इतना आसान? इतना सहज है ये विषय योगियों के लिए? योगियों नहीं, योगियों के जो इंद्र हैं उनके लिए दुर्गम गति कृष्ण है, तो फिर हमारे लिए इतना सहज हो जाएंगे कृष्ण? और जिन कृष्ण के लिए राधा जी इतनी दुर्गम है, वो राधा जी का दासी होना इतना सहज हो जाएगा? तो गुरु महाराज जी कहते हैं पहले रूप गोस्वामी जी का, पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दास होना होगा, पहले उनकी साधन भजन की जो परिपाटी है ना उसका अवलंबन करना होगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, मथुरा में यही कथा चल रही है, जो लोग सुनते होंगे उन्होंने सुना होगा, गुरु महाराज जी कहते हैं हम क्यों बोलते हैं इन विषयों को, ये राधा जी की जो महिमा है, ललिता जी की जो महिमा, इन विषयों को हम क्यों उठाते हैं? कि हृदय में कुछ लोभ आ जाए, कुछ तो कान में जाए कि हमको भी लोभ हो जाए। अच्छा, राधा जी के वशीभूत कृष्ण हो जाते हैं? यदि कोई राधा जी की दासी बनने की चेष्टा करे, उसके मन में राधा जी के प्रति भावना उत्पन्न हो जाए, तो ललिता जी क्या करती हैं? याम काम अपि ब्रज कुले वृष भानु जायास प्रेक्ष्य स्वपक्ष पदवीम अनुरुद्धमानम सद्यष्ट दिष्ट घटनेन कृतार्थ यंतिम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। आज ललिता जी का आविर्भाव दिवस है। यदि वो ये देख लें कि किसी के हृदय में ये राधा जी के प्रति थोड़ा सा भी अनुराग है, यदि किसी के हृदय में राधा जी के प्रति थोड़ी सी भी भक्ति है, थोड़ी सी भी निष्ठा है, थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ी सी भी राधा जी की सेवा करने की लालसा है, तो ललिता जी क्या करते? याम काम अपि ब्रजकुले वृष भानु जाया। जैसे ही देखती हैं कि इस जीव के हृदय में राधा जी की सेवा करने की इच्छा है, तो क्या करती हैं? सद्दष्ट दिष्ट घटने न कृतार्थ अंतिम, बड़ी शीघ्र ही उसको कृतार्थ कर देती हैं उसकी इस इच्छा को पूरा करके। किंतु केवल इच्छा करने से नहीं होगा, इच्छा करने के साथ साथ अधिकार भी अर्जन करना पड़ेगा, इच्छा करने के साथ साथ अधिकार भी अर्जन करना पड़ेगा, वैसी योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो शिष्य है ना साधारण शिष्य, वो जब ये कीर्तन करते ना, योग्यता बिचारे की छुनाई पाई तुम्हार करुणा सार, तो शिला प्रभुपाद जी कहते इसका अर्थ क्या है? योग्यता बिचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सार, गुरुदेव हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते जो शिष्य ब्रू है ना, शिष्य ब्रू माने केवल नामधारी शिष्य है, वो इस वचन को कहकर हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, हम आपके ऊपर में सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी कहते गुरु जी के घाड़ पर माने गुरु जी के कंधे पर सब कुछ डाल देते हैं, हम तो साधन भजन भी नहीं कर सकते, हम तो सेवा भी नहीं कर सकते, आपकी करुणा ही सार है, हम ना साधन करेंगे ना भजन करेंगे ना सेवा करेंगे, आपकी करुणा सार है। वाह, आपकी करुणा ही सार है, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते जो शिष्य ब्रू है ना, बस ये वचन कहकर गुरु के घाड़ पर सब कुछ चाप देंगे, आपकी करुणा सार है। किंतु हमारे गुरुवर्गों ने जैसा गुरु सेवा का आदर्श दिखलाया है, परम गुरु जी के विषय में गुरु महाराज जी बार बार कहा करते थे, प्राणों को हथेली पर लेकर चलते थे श्रीला प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए। यदि ऐसी अनुरक्ति हो गुरु चरणों में, ऐसा विश्वास हो गुरु चरणों में, ऐसी कामना हो, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे, नरोत्तम वांछा पूर्ण नहे तू या विने, आपकी सेवा के अतिरिक्त और हमको जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी राजा के पुत्र थे, कितना विषय सुख उनके निकट में था इसकी कल्पना नहीं कर सकते, किंतु उसको मलवत त्याग करके श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कैसे गुरु चरणों में अनुरक्त हुए थे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु के चरणों में कैसे अनुरक्त हुए थे। तो यदि शिला प्रभुपाद जी कहते मंडन, मंडन माने जगत की किसी एक्टिविटी में यदि हमारी कोई स्पृहा है ना, जगत की यदि किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, कनक कामनी प्रतिष्ठा कुछ भी यदि प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे फिर लालसा, कैसे फिर आशा कर सकते हैं उस इतनी उत्तम वस्तु के लिए? कर सकते हैं? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो राधा जी के भिरे में कह रहे, आशा भरैर्मित सिंधुमय कथंचित कालो मयाति गमिता किल साम्प्रतम ही। अरे हम तो कृष्ण को भी नहीं चाहते, राधा जी के भिरे में राधा जी की कृपा के बिना हम कृष्ण को भी नहीं चाहते। शिला प्रभुपाद जी कहते जगत ने कभी इतने श्रेष्ठ वैराग्य की बात सुनी होगी? अरे क्या त्याग कर सकते, क्या त्याग कर सकते हैं? जगत की कोई वस्तु उसको त्याग,
जो धुतकार की वस्तु पहले से ही है हम उसको श्रेष्ठ समझते हैं, जगत के धन संपत्ति को, वैभव को, प्रतिष्ठा को, किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो पहले धुतकार की वस्तु है। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए श्री गोपीनाथ जी ने खीर चुरा ली। माधवेंद्रपुरी पाद जी के हृदय की इच्छा क्या है? प्रतिष्ठार भय पूरी जान पलाइया। अरे हमारी प्रतिष्ठा होगी, हमारे भजन में बाधा होगी, इसको धुतकार की वस्तु जानकर भाग गए वहां से। तो उनके लिए धुतकार की वस्तु है, जो हमारे लिए बद्ध जीव के लिए वो सर्वोत्तम वस्तु मान रहे हैं, जगत हमारी प्रतिष्ठा कर रहा है, वो उनके लिए धुतकार की वस्तु है। तो उनके लिए चुराएंगे ना माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर, ना किसके लिए चुराएंगे? तो माधवेंद्रपुरी पाद जी उस धन में धनी होकर कह रहे हैं, राधा जी के भाव में विभावित होकर, अय दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलो कैसे हृदय तद लोक कातरम दयितम ब्राह्मति किम करूं मैं हम। तब तो कह सकेंगे जब माधवेंद्रपुरी पाद जी जैसे आदर्श का हम अनुसरण करेंगे। तो इसलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ था, अभी तो विषय को स्पर्श नहीं किया, किंतु गुरु महाराज जी इस विषय पर बड़ा बल देते हैं, बड़ा बल। जो उनकी कथाओं को सुनते होंगे, उनकी कथा सुन ले, यही हमारा साधन हो जाएगा वर्तमान समय में, है ना। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं इस बात को, राधा जी के चरणों की, राधा जी की दासी होने की आशा तो करें, किंतु उससे पहले रूप रघुनाथ जी का दास होना होगा, वैसा साधन भजन करना होगा, वैसा त्याग करना होगा जैसे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया। तो दो चार मिनट और मैं बस राधा जी के विषय में कुछ कह दूं, क्योंकि गुरु महाराज जी कहा करते थे ये थोड़ा सा लोभ जागृत हो जाए हृदय में, अच्छा राधा जी ऐसी सेवा करते, कृष्ण ऐसे वशीभूत हो जाते हैं, कभी हम भी ऐसे जो रस हो रहा है राधा जी और कृष्ण के बीच में, उसमें हम भी थोड़ा सा कुछ सेवा करने के योग्य हो जाए, तो ये हमारे गुरु महाराज जी लोभ जागृत हो जाए, इसके लिए इन विचारों को बतलाया करते थे। गुरु महाराज जी मथुरा में बड़े ही अभिनव रूप में, बड़े ही चमत्कारिक रूप में राधा जी की महिमा का गुणगान किया करते थे। हमारे शिला प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, प्रभु जी कह रहे हैं अरे पूरा ही आगे आ जाओ, तुमने राधा राधा दासी बनना है ना, पीछे क्यों रहते हो, एकदम आगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन लीजिए दो चार मिनट, बस जितना स्थान मिल गया उसमें संतुष्ट हो जाइए। तो हमारे गुरु महाराज जी मथुरा मठ में श्रीमती राधिका की बड़ी ही अद्भुत महिमा का गुणगान वर्णन किया करते थे। मैं दो एक बस उनके मुख से सुनी हुई जो कुछ बातें हैं मैं उसको बतलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। विशेष करके शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने राधाष्टमी के दिन जिस श्लोक को अभी हमने कहा है, उन्होंने इस श्लोक को उच्चारण करते हुए कहा, यस्या कदापि वसनांचल खेलनुत धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थ माने। शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ से बात आरंभ की, दो बातें उन्होंने कही अपनी कथा में राधा जी की महिमा का गुणगान करते हुए, दो बातें शिला प्रभुपाद जी ने कही। पहली बात तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, जिन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य से, समझना बात को ध्यान से, प्रभुपाद जी कहते जिन श्री कृष्ण के, ए भैया बातें ना करो, जिन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य से जगत त्रिभुवन मोहित रहता है, जो कृष्ण स्वयं ही अपने माधुर्य से मोहित हो जाते हैं, उन कृष्ण को भी जो मोहित कर लेती हैं, उन श्रीमती राधा रानी का गुरुत्व कितना होगा, इसको भाषा के द्वारा दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात? कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य से त्रिभुवन नहीं, संपूर्ण ये 14 भुवन क्या शिव ब्रह्मा उद्धव सब मोहित रहते हैं। अरे कृष्ण स्वयं ही अपने माधुर्य से, अपने ऐश्वर्य से, कृष्ण अपने विशेषकर माधुर्य से स्वयं मोहित हो जाते हैं, उन कृष्ण को भी जो मोहित कर लेती हैं, उन राधा जी का जो वैशिष्ट्य जो गुरुत्व है, उसको भाषा के द्वारा दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण अपने सौंदर्य से स्वयं मोहित हो जाते हैं। सुना है ना आप लोगों ने, कृष्ण स्तंभ में स्वयं को देखते हैं, कर रहे हैं जो कृष्ण का दर्शन करने के लिए ना जाने कितने कितने कुछ क्रियाकलाप करते हैं, कृष्ण अपने सौंदर्य से स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। जब द्वारका में स्तंभ में एक खंभे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जिनका सौंदर्य इतना अधिक है कि वो स्वयं ही मुग्ध हो जाते हैं अपने सौंदर्य पर, उन कृष्ण की अपेक्षा यदि श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य अधिक नहीं हो तो मोहन कार्य नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात?
कृष्ण सबको मोहित कर लेते अपने सौंदर्य से, अपने सौंदर्य से स्वयं मोहित हो जाते हैं, उन कृष्ण को भी राधा जी मोहित कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी का सौंदर्य कृष्ण से भी अधिक है। यदि अधिक नहीं होता तो मोहन कार्य कैसे हो सकता था। हमारे गुरु महाराज जी कभी विदेश में थे, उनसे श्री स्वामी महाराज जी के एक आश्रितजन ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? प्रश्न ये किया कि गुरुदेव, हमने सुना है कि जब कृष्ण ने मोहिनी अवतार लिया तो कृष्ण का वो मोहिनी अवतार लक्ष्मी जी से भी अधिक सुंदर था, क्या ये बात ठीक है? गुरु जी ने कहा हाँ बात ठीक है, कृष्ण ने जब मोहिनी अवतार लिया तो उनका वो मोहिनी अवतार लक्ष्मी जी से भी अधिक सुंदर था। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया, क्या वो राधा जी से भी अधिक सुंदर था? गुरु जी ने झट से उत्तर दिया, नहीं नहीं, राधा जी के समान कोई नहीं हो सकता है। ये उनका भाव था, ये उनके मन की स्थिति थी। गुरु जी ने झट से उत्तर दिया, नहीं नहीं, राधा जी के समान कोई नहीं हो सकता। उन्नत होने की तो बात दूर है, समान भी कोई नहीं हो सकता। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे, यदि राधा जी का सौंदर्य कृष्ण से अधिक नहीं हो तो मोहन कार्य कैसे होगा। कृष्ण ऐसे मोहित हो जाते हैं कि अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं, ऐसे मोहित हो जाते हैं। राधा जी का एक गुण है संतता श्रव केशवा। संतता श्रव केशवा माने जो सदा सर्वदा केशव को अपने अधीन करके रखती हैं। केशव सदा सर्वदा जिनके अधीन रहते हैं। राधा जी ने कृष्ण से कभी कहा कि आप, कृष्ण राधा जी का श्रृंगार कर रहे थे, राधा जी ने कृष्ण से कहा आप जिन पल्लवों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं वो सुंदर नहीं जान पड़ते, आप वन में जाइए, ऐसे पत्र, ऐसे पुष्प, ऐसे मयूर पंख चुन करके लाइए जिनको कभी भंवरों ने भी स्पर्श नहीं किया हो। अभी बतला रहे थे ना श्री रूप गोस्वामी जी ने क्या अद्भुत महिमा राधा जी की लिखी है। षडंगरी भीरमर्दितान कुसुम संचया ना चिनोद खंडमपि राधिके बहु शिखंडगम त्वदगिरा अमुंच नवपल ब्रजम उदंचदर कोज्ज्वलम करोतु वशगोजना किमयम अन्यदाज्ञापया। कृष्ण को राधा जी ने आदेश दिया, जाकर के ये पुष्प और ये मयूर पंख चयन करके लाइए, हम स्वयं अपना श्रृंगार करेंगे। कृष्ण झट से वन में गए और ऐसे पुष्प, ऐसे मयूर पंख चयन करके लाए जिनको कभी भंवरों ने भी स्पर्श नहीं किया था, और राधा जी को अर्पित करके कहते हैं करो तू वशगो जना किमयम अन्यद आज्ञा पाया। बताइए, मैंने आपकी इस आज्ञा को पूरा कर दिया, अब ये आपका वशीभूत जन आपकी कौन सी आज्ञा को और पूरा करे। ये कृष्ण की स्थिति है, जो योगियों के लिए, योगियों के इंद्र बड़ी दुर्लभ गति है। जो ब्रह्मा जी, शिव जी, उद्धव जी हैं ब्रज में आकर के, जिनका दर्शन करने के लिए बड़े लालायित है, ब्रज में आकर माने ब्रज का जो भाव है उसके लिए बड़े लालायित हैं। वो जो योगियों के इंद्र जो कृष्ण है, योगी इंद्रों के लिए भी बड़ी दुर्गम गति, वो राधा जी के निकट में प्रणाम करके कह रहे हैं बताइए आपका ये वशीभूत जन आपकी और किस आज्ञा का पालन करे। तो राधा जी का एक गुण है संतताश्रव केशवा, निरंतरम वशीकृतम प्रतीति नंद नंदने। ऐसा नहीं है कभी एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए, नहीं, निरंतर कृष्ण को वशीभूत करके रखती हैं, ऐसी राधा जी की महिमा है। कभी राधा जी ने, ये जो सौंदर्य की बात हम सुन रहे हैं ना, एक छोटी सी बात बताऊं, कभी राधा जी ने कृष्ण को आदेश दिया हमारे लिए केशर पुष्पों का चयन करके लाइए। कृष्ण मन में गए, राधा जी के लिए केशर पुष्पों का चयन करके लाए, और जब राधा जी के आंचल में दे रहे थे ना, तो राधा जी ने केवल कृष्ण की ओर एक कटाक्ष किया, केवल कृष्ण की ओर देखा, और कृष्ण ऐसे मोहित हो गए के केशर पुष्पों के साथ साथ में अपनी बांसुरी भी राधा जी के आंचल में दे दी, और कृष्ण को इसका पता भी चला। अब कृष्ण अपनी बांसुरी ढूंढने लगे तो राधा जी के साथ में उनका प्रेम कलह आरंभ हो गया। कृष्ण कहते हमारी बांसुरी दो, राधा जी कहते हमने ली नहीं। इतने में राधा जी की नानी है एक मुखरा, वो आ गई वहां पर। कौन आ गई? राधा जी की नानी है मुखरा, वो आ गई। अब जब उन्होंने देखा, रे वो वैसे राधा जी की नानी जो है ना, दोनों का, कृष्ण और राधा जी का मिलन कराकर बड़ी प्रसन्न होती हैं। जब उन्होंने देखा प्रेम कलह चल रहा है, देखना कृष्ण की बड़ी व्याज स्तुति की, व्याज स्तुति समझते हैं, शब्दों से तो ऐसा लग रहा है कृष्ण की भर्त्सना कर रही हैं, किंतु वास्तव में कृष्ण की बड़ी सुंदर रूप में स्तुति कर रही हैं। तो मुखरा जी ने आकर के राधा जी से कहा, वनासक्तम चेता प्रणयति गृहादियो विरमयन वरेण्यम बंधु नाम प्रणयम अपि विस्मारयति या महाधूत श्रेणी गुण गरिम विस्तारण गुरौ करोत संगे तस्य तोमपि सरले पुत्री। मुखरा जी ने राधा जी से कहा, कृष्ण निकट में खड़े हैं, कहती अरे मेरे सरल हृदय वाली पुत्री राधा, तू ये कृष्ण के हाथों में पड़ गई, तुम जानती नहीं हो ये कृष्ण कैसा है। राधा जी ने पूछा आप बतलाओ, आप तो अनुभवी हो ना, वृद्ध हो गई हो, आप बतलाओ ये कृष्ण कैसा है। तो देखो मुखरा जी व्याज स्तुति कर रही है कृष्ण की। मुखरा जी कहती है वनासक्तम चेता प्रणयति गृहादियो विरमयन, अरे ये घर से आसक्ति को हटाकर वन में लगा देता है,
ये घर से आसक्ति को हटाकर वन में लगा देता है, और जो बंधु बांधवों के प्रति हमारी बड़ी गाढ़ी आसक्ति है ना, उसको भुला देता है, उसको भुला देता है। और महाधूर्त जो लोग हैं ना, उनकी महिमा को विस्तार करने में ये गुरु है। ऐसे कृष्ण के हाथों में तुम पड़ गई, ये वास्तव में क्या है, करोत संगे, एक एक, अभी तो इतना समय नहीं होता ना, एक एक विषय को विस्तार से बताया। करोत संगे, कर उत संगे, कर माने हाथ, उत माने बड़े श्रेष्ठ, ऐसे कृष्ण के बड़े श्रेष्ठ हाथों में तुम पड़ गई हो, तुम बड़ी भाग्यवान हो। किंतु वास्तव में राधा जी भाग्यवान है ना, कृष्ण भाग्यवान है, मुखरा जी के मन के भाव यही है। जब ये इस प्रकार से श्लोक कहा ना मुखरा जी ने, तो कृष्ण के निकट में मधुमंगल खड़े थे। अभी मधुमंगल ने कृष्ण से कहा, रे कृष्ण, ये राधा जी के, ये राधा जी की जो ये नानी है ना मुखरा, ये वायु के समान वाचाल जो तुम्हारी बंशी है ना, ऐसा बोलने वाली है, वाचाल माने बड़ा भयंकर बोलने वाली, चलो यहां से भाग चले, अब यहां क्यों खड़ा है, चल इधर से भाग चल। तो कृष्ण कहते, सखे मेरी बंशी कहाँ है? मधुमंगल कहते, तुमको नहीं पता तुम्हारी बंशी कहाँ है? कृष्ण कहते, अवश्य ही राधा ने चुरा ली। कृष्ण क्या कहते हैं? अवश्य ही राधा ने चुरा ली। तो मधुमंगल कहते हैं, राधा ने चुरा ली, अरे ये तो तेरा बड़ा सौभाग्य है जो इस मोहिनी राधा ने तुझको ही चुरा करके कहीं छुपा नहीं दिया, अब छोड़ इस अभागी बंशी को, चल यहां से भाग चले। कृष्ण कहते, बंशी के बिना तो जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे? तो कृष्ण ने राधा जी से कहा, तुमने हमारी बंशी हर ली है, हमारी बंशी वापस दे दो। तुम तो ऐसी पुण्य के प्रभाव से, तुम्हारी ऐसी विलक्षण प्रतिभा है कि तुमने बंशी चुराई, हमको पता ही नहीं चला। अरे चोर के रूप में तो हम प्रसिद्ध हैं, चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, तुमने हमारी बंशी चुराई, हमको पता ही नहीं चला। पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी बड़ी विलक्षण प्रतिभा है। राधा जी ने कहा, भ्रुक्ति उनकी तन गई, भ्रुक्ति होती ना, राधा जी ने भ्रुक्ति तान कर कहा, हमारे ऊपर में दोषारोपण करना व्यर्थ है। अरे वृंदावन में क्या ईंधन का मूल्य वर्धित हो गया है? चूल्हे में लकड़ी देते ना, उसको कहते ईंधन, अब वो बंशी तो लकड़ी की है, एक हाथ की। तो राधा जी कह रहे, रे वृंदावन में क्या ईंधन का मूल्य बढ़ गया है जो हम तुम्हारी एक हाथ की बंशी को चुराएंगे? क्या करेंगे तुम्हारी बंशी को चुरा कर? तो कृष्ण कह रहे हैं, यदि तुमने बंशी नहीं चुराई तो तुम बंशी की बात को सुनकर मुस्कुरा क्यों रही हो? यदि तुमने बंशी नहीं चुराई तो तुम बंशी की बात सुनकर मुस्कुरा क्यों रही हो? अब मुखरा जी ने देखा कि ये कृष्ण तो इस प्रेम कलह में इनकी जीत हो जाएगी, तो मुखरा जी बीच में आकर कृष्ण से कहती हैं, अरे कृष्ण, तू बड़ा चपल है, ये जो मेरी नातिन है ना राधा, ये अभिमन्यु की पत्नी, ये तुम्हारी वंदना करने के योग्य है और तुम इसके साथ में परिहास कर रहे हो। तो कृष्ण के निकट में मधुमंगल खड़े थे। मधुमंगल ने मुखरा जी से कहा, अरे मुखरे, मैं ये यज्ञोपवीत इस जनेऊ की शपथ खा करके कहता हूं कि कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक करके अभी राधा को प्रणाम किया है। तुम कह रही हो ना वंदना करने के योग्य है, अरे मैं जनेऊ की शपथ खा करके कहता हूं कि कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक करके राधा को प्रणाम किया है। जब मुखरा जी ने सुना ना, अच्छा कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक कर मेरी राधा को प्रणाम किया है, तो कहते, अच्छा तब तो इसकी धर्म वृद्धि होगी। समझ में आ रही बात? तब तो इसकी धर्म वृद्धि होगी। कृष्ण भूमि पर मस्तक टेक करके राधा जी को प्रणाम करते हैं। रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कृष्ण राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, धूलि धूसरित चंद्रकांत चला चंद्रकांत मुखी वल्लभ हो जना अर्पयन मुहूर्यम नमस्क्रियाम भिक्षते तव कटाक्ष माधुरी। कृष्ण अपने मोर मुकुट को, अपने मोर पंख को, अपने मस्तक को राधा जी को प्रणाम करते हैं। आप क्या करते हैं? हमको एक कृपा की, एक कटाक्ष, कृष्ण राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये कृष्ण की अवस्था है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, त्रिभुवन कृष्ण की एक चरण धूल पाने के लिए प्रयास कर रहा है। त्रिभुवन माने कौन? हम जगत जी, अरे ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे हैं, नारद जी प्रयास कर रहे हैं, उद्धव जी प्रयास कर रहे हैं, किंतु मिलती है? राधा जी के चरण धूली, कृष्ण की चरण धूली मिलती है? नहीं मिलती। अभी भी तपस्या कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी जी इस गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही है। श्री जीव गोस्वामी तो लिखते हैं, ना उनको मिला ना कभी उनको मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी के स्वरूप में ही नहीं है, गोपियों का अनुगत्य कर रहे तो कैसे मिलेगा है? तो ऐसे जो कृष्ण, इतने महिमाशाली जो कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी शिव जी जिनका एक दर्शन, एक चरण की धूल पाने के लिए लालायित हैं, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं, उन कृष्ण की क्या अवस्था है? त्वाम नत्वा याचते धृत्वा त्रिडम दंते रयम जना। ये कृष्ण जो है वो राधा जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, त्वाम नत्वा याचते धृत्वा त्रिणम जनते रयम जना स्वदास्यामृत सेकेन
जीव यामो सुदुखितम। कृष्ण प्रार्थना कर रहे राधा जी के चरणों में, त्वाम नत्वा, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर के, दांतों में तृण धारण करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। राधा जी ने पूछा, क्या प्रार्थना कर रहे हो? स्वदास्यामृत सेकेन जीव यामो सुदुखितम, मुझको आप अपना दास्य भाव दे दो। कृष्ण राधा जी से दास्य भाव मांग रहे हैं, हमारी और आपकी क्या बात है? कितना गुरुत्वपूर्ण ये विषय है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, राधा जी की जो महिमा है ना, उसका इतना गुरुत्व है कि उसको भाषा के द्वारा दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। अरे हम और आप लालसा कर रहे हैं, कृष्ण लालसा कर रहे हैं राधा जी का दास्य भाव प्राप्त करने के लिए, कृष्ण लालसा कर रहे हैं, हमारी आपकी क्या बात है? ये राधा जी की महिमा है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज जी, उनका बड़ा विशेष वैशिष्ट्य था, बड़े ही विलक्षण रूप में, बड़े चमत्कारिक रूप में हमारे गुरु महाराज जी राधा जी की बड़ी अद्भुत महिमा को गुरु महाराज जी मथुरा में ही नहीं, प्रत्येक स्थान पर गुरु महाराज जी प्रकाशित किया करते थे। उन्होंने साधन भजन का मूल लक्ष्य ये राधा जी का पाल्यदासी भाव, ये वास्तव में हमारे गुरु महाराज जी की तो विशेष देन है, वर्तमान समय में विशेष देन, किंतु हमारे संप्रदाय का, हमारे आचार्यों की यही मूल प्रार्थना है। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यही प्रार्थना जनाई है, भक्ति विनोद रूप रघुनाथे कहे चरण धरी, है नो राधा दास से सुधीर संपद कबे दीबे दया करी। भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रही है, राधा जी का दास्य भाव ये सुधीर जनों की संपद है। अब सुधीर कौन है, सर्वोत्तम सुधीर कौन है? ये कृष्ण सर्वोत्तम सुधीर हैं। ये राधा जी के दास्य भाव के लिए कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के वचनों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये सुधीर जनों की संपद है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी किससे प्रार्थना कर रहे हैं, है नो राधा दास से सुधीर संपद कबे दीबे दया करी, कब हमको दया करके आप दे देंगे, किंतु किससे प्रार्थना कर रहे हैं, यह समझने की बात है। रूप रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी, आप हमको ये राधा जी का पाल्यदासी भाव दे दीजिए। रूप रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, रूप मंजरी रति मंजरी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? वो रूप मंजरी रति मंजरी ने रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में जगत में प्रकट होकर के इस विषय वस्तु को, जो ये उनकी सर्वोत्तम गौड़े राज्य की विषय वस्तु है, इसको उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए रूप गोस्वामी जी के निकट, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के निकट प्रार्थना करनी होगी। किंतु हमारा तो रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी हमारे लिए बड़ी दूर की वस्तु है। हमारा तो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी सबका सार स्वरूप जो हमारे सामने प्रकट हुआ, वो किस रूप में हुए? हमारे गुरु पाद पद्म के रूप में। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में रूप गोस्वामी जी के जैसा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जैसा भजन करके दिखलाया। उनका संपूर्ण जीवन, मथुरा में उनके अर्ली डेज की जब बात सुनते हैं, कैसे उन्होंने प्रातःकाल 2:30 बजे उठ के 1,00,000 हरिनाम किए बिना, वो चरणामृत ग्रहण किए बिना वो कुछ भी प्रसाद नहीं लेते थे। गोवर्धन मठ में, जो ये जिस स्थान पर अभी गोवर्धन मठ है, यहाँ पर रहकर उन्होंने कैसी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के अनुगत्य में उन्होंने अपनी भजन लीला को प्रकाशित किया। जो मथुरा के पंडा जी है ना, गिरिधारी पंडा जी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा, हमने उनके मुख से सुना है, सीधे उनके मुख से, उस समय में छोटे थे, वो बतलाते थे आपके गुरुजी इस स्थान पर रहते थे और वो अपने पिताजी के साथ में हमारे गुरुजी को भिक्षा देने के लिए आते थे, कुछ सत्तू ना कुछ चूल्हे की रोटी, और वो कहते थे महाराज जी के तप का प्रभाव है। ये उनके शब्द में बतला रहा हूँ, वो कहते थे महाराज जी के तप का प्रभाव है जो संपूर्ण जगत में उनकी इतनी महिमा प्रकाशित हो रही है, उनके तप का प्रभाव। वो बतलाते थे कैसे इस मठ के सामने कुआं था, जहां पर गुरु महाराज जी प्रतिदिन शीत के समय में भी, वर्षा के समय में भी, गुरु महाराज जी प्रतिदिन वहां उस कुएं में स्नान करते, प्रतिदिन परिक्रमा करते, और उस समय में 60-70 वर्ष पहले की बात है, क्या अवस्था रही होगी, चारों ओर घनघोर जंगल, ऐसे कीचड़ से भरे हुए स्थान में भी प्रतिदिन परिक्रमा करते थे। उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, इन ग्रंथों का अनुशीलन किया करते थे। हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने गुरु जी के लिए वो ग्रंथ भिजवाए वहां पर है। ऐसी उन्होंने रूप रघुनाथ जी के अनुगत्य में अपनी कठोर भजन लीला को प्रकाशित किया, और उसके पश्चात में अपने जीवन के प्रकट लीला के अंतिम समयों में उन्होंने इस विषय को विशेष करके, जो उनकी संपत्ति है, उसको उन्होंने देना आरंभ किया। तो गुरु महाराज जी कहा करते थे, पहले रूप गोस्वामी जी के, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन साधन में, उनके आदर्श में हम लोग कुछ, उनके भजन साधन, उनके आदर्श का हम लोग अनुशीलन करें, तब तो जाकर के राधा जी का जो दास्य भाव है, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ कह तो सकेंगे गुरु जी के निकट में जाकर। केवल कह देने से तो नहीं होगा, यही गुरु महाराज जी थे, और किसी ने गुरु जी से कहा गुरु जी आपकी कृपा चाहिए, और गुरु जी के हाथ में, सुना होगा आप लोगों ने, किसी को स्मरण होगा, एक पुष्प दे दिया, सफेद सा फूल होता है ना, वो भी यही किसी पार्क में से तोड़ लिया और गुरु जी के हाथ में अर्पण कर दिया, और कहते गुरु जी कृपा कर दो हमारे ऊपर। तो गुरु महाराज जी ने देखा और कहते हैं इससे तो होगा नहीं, ये खाली एक फूल दे दिया इससे तो होगा नहीं, अपने हृदय रूपी पुष्प को देना पड़ेगा।
तब जाकर के उस वस्तु के लिए लालसा करेंगे, और जब हृदय दे दिया ना तब फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब तो वो देने के लिए स्वयं लालायित बैठे हैं। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना हो, रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो बहुत दूर अभी हमारे लिए, उनका ही एक आदर्श स्वरूप हमारे सामने जो प्रकट हुए, उनके चरणों में ही हम ये प्रार्थना कर दें। ए दासा भास, श्री गुरु चरणे कहे दंते तृण धरी, तोमार दासामृत आमार संपद कबे दीवे दया करी। बस गुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना हो जाए, अभी तो अंततः मुख से कह रहे हैं, कभी हृदय से प्रार्थना हो जाए कि आपका दास्य रूपी अमृत जो है ना वही हमारी संपद है। अरे गुरु जी भी तो उसी परिवार के है ना किसी और परिवार के। यदि गुरु जी का दास्य जी राधा जी का एक ही है, सब कुछ एक ही परिवार है, एक ही गोष्ठी है, तो गुरु जी का ही यदि दास्य भाव मिल जाए हमको सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, हा हा ब्रज जन मोरे दया करी कबे ब्रज वने लईवे। ब्रज जन से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे गुरुपाद पद्म, ऐसे ही एक नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं, ऐसे ही नित्य सिद्ध राधा जी के जन, महाप्रभु जी के जन हैं, उनके चरणों में यदि श्रद्धा भक्ति हो जाए हमको परमार्थ की सर्वोत्तम वस्तु सहज मिल जाएगी। आज यहीं तक रहे, वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भवेचा पति कल्याण पावन हो वैश्य। हमारे संजय प्रभु पिछले जन्म में ब्रह्मा जी थे, इसलिए जब वो दो मिनट कहते हैं तो मुझे ब्रह्मा जी याद आ जाते हैं। उनका दो मिनट जितना होता है उतना इनका दो मिनट होता है। लेकिन बड़ी सुंदर ढंग से इन्होंने सारी प्रार्थनाओं को हमारे को निचोड़ बना के दिया है। हमारे गुरु महाराज जी की महिमा सुनाई है, गुरु हमारे अनर्थों को दूर करता है। मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरुदेव ने हमारे इस मठ में भी जो अनर्थ आए थे उसको दूर कर दिया है, जिसके कारण हम इतने सुंदर सुंदर कथा करते हैं। भले 10 साल लगे अगर तो फिर भी दूर किया है, तो हमारे यहाँ और भी कुछ साल लग जाएंगे जो मेरे हृदय के भी अनर्थ दूर हो जाए और हम भजन कर सकें। ऐसे ही सभाएं होती रहें। अब मैं कोई बार भक्ति वेदांत सिद्धांत जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, आपको अपना सभापति ये भाषण बोले। हमारी वैसे आरती का टाइम 8:30 है, कोशिश करें उसी के बीच में आ जाए। अरे मैं अभी आ रहा हूँ, इससे भी बोलने चक्षुरोन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय राधाचिन्तनिवेशितं यस्य कान्तिविदोत्तरः श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम् महाभावज्जुलचिन्तरत्नभावत विग्रहं सखी प्रणेशद्गन्धो वरत्वरकुभ्रावं करुणामृतधराय वीचिपि तरुणामृतधारया लवनामृतवनयापि गलपति निष्पतेन्द्रिया। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोलिए सभी जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो श्री राधा रानी की, आवाज कम आ रही है। बोलो श्री राधा रानी की, बोलो श्री ललिता देवी की, श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ की, समागत भक्त वृंद की। ठीक है, आज की इस श्रीमन बिहारी गौड़िया मठ में समस्त गुरु भ्राताओं के इस मिलन का ये जो सहयोग प्राप्त हुआ, उस सहयोग का पूर्ण लाभ या उसकी सार्थकता क्या कि एक साथ बैठकर एक ही गोष्ठी में श्री गुरु महाराज जी के, श्री गुरुदेव गुरु परंपरा के और श्री रूप रघुनाथ की वाणी के, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदर्श के, श्री कृष्ण की लीलाओं का और सर्व आराध्य
श्री राधा जी की महिमा का श्रवण कीर्तन एक साथ बैठकर और विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से विभिन्न वक्ताओं से उसके सुनने का लाभ क्या, हृदय में वो प्रेरणा जागती है जो कि एकांत भजन में या अकेले रहकर संभव नहीं होती। श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ का विशेष धन्यवाद और इस तीन दिवसीय श्री राधाष्टमी के अवसर पर श्री राधा तत्व का जो विभिन्न वक्ताओं के द्वारा जो बड़ा सुंदर विवेचना की जा रही है उसके मूल में इस सभा को रखने वाले मैं कहूँगा श्री रामचंद्र प्रभु जी और श्री विजय कृष्ण प्रभु जी का विशेष धन्यवाद। यही तो मठ का उद्देश्य है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो मठ स्थापन किया वो उद्देश्य क्या था, बोला ना ईंट पत्थर के कारीगर होने नहीं आए, जहाँ पर हरि कथा और ये सभाएं इसी प्रकार से चलती जाए। कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी और फिर अभी आगे और शिला भक्तियों ठाकुर जी की तिथि आ रही है, शिला हरिदास ठाकुर जी की तिथि आ रही है, श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की तिथि आ रही है। हम उसका फरीदाबाद में हम उसको पालन करेंगे, वही स्थान है जहाँ पर महाराज जी की अप्रकट लीला हुई। तो इन सब तिथियों को पालन करने से और एक साथ बैठकर एक उमंग एक उल्लास की प्राप्ति होती है। तो पूर्व वक्ताओं ने बड़े सुंदर ढंग से श्री राधा जी के गुणगान उनकी महिमा का व्याख्यान किया। जो राधा दास्य की बात अभी प्रभु जी भी बतला रहे थे, राधा जी के चरणों की सेवा कौन करते हैं, हमारे गोस्वामी वृंद। यही तो राधिका चरण रेणु भूषण कोरिया तनु अन्यासे पावे गिरिधारी। गुरुजन इसलिए वो राधा दास्य में जो भी प्रभु बतला रहे थे, राधा दास्य में सभी का दास्य सम्मिलित है। वो राधा दास्य एक स्वतंत्र रूप से मात्र श्री राधा जी की चरण धूल नहीं है। वो चरण धूल क्या, समस्त गोस्वामी वर्ग, श्री गुरुदेव, गुरु परंपरा समस्त सभी उन श्री राधा जी के चरणों की तो सेवा कर रहे हैं। तो राधा दास्य में सब कुछ सम्मिलित है। भगवत गीता का एक श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता वजन्ते भाव बुद्ध भाव समन्विता। श्री कृष्ण इस श्लोक को कह तो रहे हैं, परंतु विष्णु चक्र ठाकुर जी और जो रसिक आचार्य हैं विशेष करके जिन्होंने इसकी व्याख्या की, हमारे पूर्व आचार्य श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने एक रसिक व्याख्या की। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है, जब वो ये कह रहे हैं सब मुझसे प्रकट होता है, उसका अर्थ क्या, बोलते मेरी सेवा मुझसे ही प्रकट होती है और मैं ही अपनी सेवा कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। ये महाराज जी इस बात को बतला रहे हैं, मेरी भक्ति मेरी सेवा मुझसे ही प्रकट होती है और उसको पूर्ण रूप से शुष्ट रूप से करने वाला वह मैं ही हूं। जब वो ये कह रहे हैं कि मैं ही हूं, इसका अर्थ क्या, कांति शब्दे कृष्ण सकल वांछा रहे और कृष्ण सकल वांछा राधिताय रहे। देवी कृष्ण में प्रोक्ता राधिका सर्व देवता, सर्व लक्ष्मी में सर्व कांति समोनी परा। तो जहां सर्व कांति कहा, कांति शब्द कांति का अर्थ क्या, कांति का अर्थ तो रूप लगता है, स्प्लेंडर। तो कांति शब्द कृष्ण सकल वांछा रहे, श्री कृष्ण की जितनी प्रकार की इच्छाएं वह कांति, और वो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कौन होते हैं, कांति शब्द कृष्ण सकल वांछा रहे, कृष्ण सकल वांछा राधिता रहे। श्री राधे करे करें कृष्ण सकल वांछा पूर्ण,
श्री राधा जी ही श्री कृष्ण की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण का जो प्रणय है, उसका जो उद्गम स्तोत्र है, वह राधा जी ही है। श्री कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में कहते हैं, का कृष्ण से प्रणय जनीबू श्रीमती राधिका ही कह। श्री कृष्ण का जो प्रणय है उसका जन्म स्थान कहा, वो थे श्रीमती राधिका है। का अस्य प्रेयस्य अनुपम गुना राधिका एक नाचान्यम, और कोई नहीं, राधिका एक, एक शब्द का वहां पर व्यवहार किया गया है। राधिका एक नाच अन्यम, और कोई नहीं। इसलिए मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे प्रकट होता है, मेरी सेवा मैं ही कर सकता हूं। राधा जी कौन है? श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादि शक्ति रस्मा, श्री कृष्ण की हल्लादि शक्ति, वे आश्य विग्रह, जिन आश्य विग्रह को प्राप्ति के लिए विषय विग्रह भी रो रहा है। विषय जाति सुख अमार हलाद, अमा होते कोटि गुण आश्रय हलाद, आश्रय जाति सुख पायते मन धाय, यत्न स्वादते नारी की करी उपाय, यही चिंतित रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बड़े सदा लोभ धक धकी। श्री कृष्ण का हृदय भी चिंता करते करते धक 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 होता है कि मैं विषय जाति हूं, अर्थात विषय विग्रह हूं, अखिल रसामृत हूं, रसवमय सा संपूर्ण प्रकार के रसों का आस्वादन करने वाला हूं, परंतु आश्रय जाति सुख क्या है वे मैं नहीं जान सकता, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? राधा जी के भाव और कांति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, इसलिए राधिका एक कह बोला, राधिका एक नाच अन्यम, और कोई नहीं। तो कितने सुंदर रूप से महाराज जी गीता के श्लोक की व्याख्या में श्री राधा जी का वैशिष्ट वर्णन कर रहे हैं, और संपूर्ण गौड़िया जो इतिहास, गौड़िया जो सार है, वो इसी बात में ही आ जाता है, मत्ता सर्वम प्रवर्तते। गीता जी में एक श्लोक और कहा, तेषं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये न मम उपयंति ते। बोल रहे तेषं सतत युक्तानां, जब पहले बोल दिया मुझसे जो युक्त होना चाहता है, तेषं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रीतिपूर्वक उस भजन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ददामि बुद्धि योगं तं, ऐसी बुद्धि योग प्रदान करूंगा, ये न माम उपयंती थे, वो मेरे पास आएगा। जब यहां पर उपयंती थे शब्द कहा, वह उपयंती का अर्थ क्या, वो थे उपपति भाव के द्वारा ही आ पाएगा, उपपति भाव, और वो उपपति भाव अर्थात परकिया भाव, और उस परकिया भाव में भी श्रील महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जो ब्रज के जो चार मुख्य रस हैं, उन समस्त भावों में परकिया भाव है, दास्य में भी है, सख्य में भी है, वात्सल्य में भी है, और मधुर में तो है ही। जो दास्य रस के भक्त, उनके अंदर भी ये भावना रहती है कि कृष्ण मथुरा से आए हैं और ना जाने कभी मथुरा चले जाएंगे, तो वो भाव की वृद्धि होती है, भाव की वृद्धि होती है। जैसे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी स्तोत्र रत्न में ना, क्या ग्रंथ, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं सिद्धांत रत्न में, माधुर्य निश्चय नाम ऐश्वर्य ज्ञानम सरस्वती प्रवाद गौंतसी विरे विस्मय विपदे चा सरस्वती एव प्रवास। प्रयाग में जाते हैं तो तीन नदियों का संगम प्राप्त होता है, लेकिन ऊपर से गंगा जी और जमुना जी देखने में आती है, सरस्वती जी का प्रवाह नीचे की ओर प्रवाहित चलता रहता है लेकिन प्रकट नहीं होता, लेकिन विशेष तिथियों के दिन वह प्रवाह भी देखा जाता है। इसलिए ब्रज में पूर्ण रूप से ऐश्वर्य होने पर भी माधुर्य से ढका हुआ है, परंतु ब्रज जनों में तीन अवस्थाओं में वह ऐश्वर्य प्रकट होता है, विरे विस्मय विपदेचा। विरे में
राधा जी बोल रही है ना, कल हम श्रवण कर रहे थे, हनाथ रमन प्रेष्टा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्य कृपण्य में सखे दर्शन से निधिम। विरे में या फिर विस्मय में या फिर विपद में कृष्ण कृष्ण रक्ष माम प्रार्थना करती हैं। ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं, ये विशेष परिस्थितियों में ये भाव प्रकट हो जाता है, जैसे सरस्वती का प्रभाव आता है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी इस बात को वर्णन कर रहे हैं। इसलिए दास्य रस में सख्य रस वाले भक्त भी, परिकर भी, वात्सल्य रस वाले, उनके अंदर भी यही भावना, कृष्ण सुना है, कृष्ण मथुरा से आए हैं, वे हमारे नहीं हैं, वे स्वकिया नहीं हैं, हमारे नहीं हैं, चले जाएंगे, ये भाव आता है। और इससे क्या होता है, भावों का वर्धन होता है, भाव वर्धित होता है, विशेष भाव होता है। और मधुर रस में तो ब्रज गोपियां, और उनमें भी श्री राधा जी, वे परकिया भाव, जिसको हम साधारण रूप में कह देते हैं कि परकिया क्या, बोलते उपपति भाव, ये न माम उपयंति ते, उपपति भाव आप समझते हैं ना, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वह परकीय भाव में भी श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, वह परकीय भाव में भी चार सामग्रियां हैं। साधारण ये नहीं कि किसी और से प्रेम हो गया, परकीय हो गया, उसमें चार इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता, दुर्लभता और वामता, और उसमें मान भी आ जाता है। ये जब सामग्री हो तो परकीय भाव है, मात्र संबंध से परकीय भाव नहीं। तो इसलिए श्री विष्णु चक्र ठाकुर जी अपने इष्ट श्री गोकुलानंद जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, लीला विलासे भक्ति मंजरे लोलु पालने सर्वज्ञ मुग्धे च निधे गोकुलानंद ते नमः, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। हे कृष्ण, ददामि बुद्धि योगम ये न माम उपयंति ते, आपने कहा ना गीता में, तो मैं भी आपसे कोई साधारण बुद्धि योग नहीं मांगता, मैं विशेष बुद्धि योग मांगूंगा। ये न माम उपयंति ते, वो परकीय भाव के अनुसार। तो लीला विलास से भक्ति मंजरे लोलु पालने सर्वज्ञ मुग्ध च निधे गोकुल अनंत नमः, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते इति उवाच्य प्रभु तस्म एवं अर्थ दे गोपी कुछ अलंकृतस्या तब गोपेंद्र नंदनम दास्यम यथा भवे बुद्धि योग प्रच्छमे। बोलते आपने संकल्प लिया ना, ददामि बुद्धि योगम तम, तो मैं वो साधारण बुद्धि योग नहीं मांगता, मैं कौन सा बुद्धि योग मांगता हूं आपसे, गोपी कुछ अलंकृतस्या तब गोपेंद्र नंदन, हे गोपेंद्र नंदन, ब्रजराज श्री नंद नंदन, मैं वो बुद्धि योग मांगता हूं जब आप गोपी कुछ अलंकृतस्या तब गोपेंद्र नंदन दास्यम यथा भवे बुद्धि योग प्रच्छमे, जब आप श्री राधा जी के वक्ष स्थल पर आप अलंकृत हो रहे हैं, श्री कृष्ण के समस्त लीलाओं का जो आधार, वह आधार स्वरूप श्री राधा रानी। अब वो अधिकार भी नहीं है वो सब बोलने का, और संकोच भी होता है, तो इसलिए उसको वहीं पर रख देते हैं। लेकिन समस्त लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ रासलीला का भी आधार क्या, योग माया उपाश्रिता, राधा जी के आश्रय के बिना तो वो लीलाओं में भी जो चूड़ामणि संति यद्य में प्राज्ञ, वे जो लीला माधुरी में जो रास लीला, वह भी संभव नहीं, श्री राधा जी के अनुगत के बिना वह भी संभव नहीं। इसलिए उस रास लीला में भी राधा जी की उत्कर्षता देखी जाती है। कल इसको सुना, जहां पर अन्य राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, श्री कृष्ण जिनकी सबसे अधिक आराधना की वैश्री राधा जी, और दूसरी ओर वसंत रास में भी श्री जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंद में वर्णन किया कि इतस्ततत अनुस्मृत्या अनंगवान खिन मनसा कृतानुताप सकलंदिनंद ततंत कुंदे विषाद माधव।
जब श्री कृष्ण रास छोड़कर जाएं, तब भी राधा जी की उत्कर्षता प्राप्त होती है, प्रकाशित होती है श्री कृष्ण के माध्यम से ही। अर्थात श्री कृष्ण वह इंस्ट्रूमेंट है। श्री कृष्ण, बहुत से संप्रदाय बोलते हैं राधा जी इंस्ट्रूमेंट है, परंतु नहीं, ये गौड़ीय वैष्णव कहते हैं श्री कृष्ण इंस्ट्रूमेंट है राधा जी की महिमा का व्याख्यान करने के लिए। वे सर्व आराध्य है, श्री कृष्ण की भी आराध्य है। श्री राधा नाम का जप करें, मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम, मेरे 100 नाम के बराबर। श्री क्रम दीपिका में श्री कृष्ण चंद्र को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम, मेरे 100 नाम के बराबर राधा नाम है, 100 नाम के बराबर। और वृंदावन में सब क्या बोलते हैं, 200 बार हो गया मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम। तो कृष्ण वे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से सर्व आराध्य राधा जी की महिमा का व्याख्यान होता है। जहां पर ना पारे हम निर्वध समिजम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, नहीं पार पा सकता, तो किसके समक्ष ये कह रहे हैं? कभी राधा जी ने श्री कृष्ण के लिए ऐसा कहा? क्या कभी राधा जी नाना प्रकार के रूप धारण करके श्री कृष्ण से मिलन के लिए आती है? नहीं, कौन आता है? श्री कृष्ण ही आते हैं। कभी चूड़ी बेचने वाले और कभी कोकिल वन में सारी रात कुहू 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 करते रहते हैं, किन की आराधना कर रहे हैं? श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, श्री राधा जी की आराधना कर रहे हैं। इसलिए ततंत कुंदे विषाद माधव, जब श्री राधा जी शारदीय रास में यदि श्री कृष्ण अंतर ध्यान भी हो जाएं, तो भले ही सब वधु अनवतपते, वह वधु अर्थात श्री राधा जी अनुताप कर रही हैं, लेकिन उस अनुताप में ही अन्य राधि तो नूनम, सबने एकत्रित होकर एक स्वर में ही इस बात को कहा, इन गोपी की सबसे ज्यादा आराधना हुई है किसके माध्यम से? श्री कृष्ण के माध्यम से। और वसंत रास में भी इतर सतन और स्मृत्या अनंगवान अखिल मनसा, श्री राधा जी रास छोड़कर चली जाए और श्री कृष्ण की क्या दशा हो जाए? श्री राधा जी यदि रास छोड़कर जाए तो श्री कृष्ण राधा जी के विरे में अनुताप करते हुए राधे 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 जप करने लगे। और ऐसे करते करते हमारे परम गुरु जी ने वर्णन किया ना कि राधा चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोपिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगितम विग्रहम आलिंगितम विग्रहम। वही पूर्ण शोभा है। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धुरा, गोपीगण मध्यतार बड़े माधुर्य, यद्यपि श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य की सीमा है, परंतु जब राधा जी के साथ अलंकृत होते हैं तभी उनके माधुर्य का वर्धन होता है। इसलिए रासलीला में कहा ना, तत्रात्रि शुभे भगवान देव की सुता मध्यमायना हा माना मामर कटो यथा। जहां पर रासलीला के मंडल में श्री राधा जी के साथ जब श्री कृष्ण विराजमान हो तब उनकी शोभा उनका माधुर्य वर्धित हो। तो माधुर्य में भी प्रेम में भी, और प्रेम के संबंध में तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि राधिका प्रेम गुरु अमी शिष्य नट, सदा अमा नाना नित्य नचाय उद्भट। नाम में भी राधा जी के नाम उच्चारण करें, माधुर्य में भी राधा जी के साथ यदि अलंकृत हो तो माधुर्य वर्धित हो, और प्रेम के संबंध में तो शिष्यत्व स्वीकार किया, शिष्यस्तेम शादी मम तम प्रपन्नम, बोला ना अर्जुन ने बोला ना, तब श्री कृष्ण ने अपने गीता का ज्ञान दिया। तो श्री कृष्ण निसंकोच होकर ये स्वीकार करते हैं कि मेरे प्रेम की गुरु कौन है? राधिका प्रेम गुरु अमी शिष्य नट। परंतु आज ललिता जी का भी ये आविर्भाव तिथि, जन्म तिथि, ललिता जी कैसी? सखी गण ममा परम सुरित युगल प्रेम गुरु। श्री ललिता जी श्री राधा जी की भी गुरु और श्री कृष्ण के भी गुरु। किस रूप में गुरु?
धूर्ते ब्रजेश तन्य तन शुष्य भाम्यम माँ दक्षिण भाव कलंक निलाग वाया राधे गुरुम शुरुम इति शिक्षयंती देवी गुणई सुललितम ललितम नमामि। दोनों को शिक्षा देती हैं, श्री कृष्ण को भी और श्री राधा जी को भी। श्री गुरु जी बतलाते हैं ना ललिता सप्तमी वाले दिन कि राधे अपने मान को बनाए रखो, श्री कृष्ण के आने पर पिघलने की आवश्यकता नहीं, उन मान को अपना बनाए रखो, उनको अनुविनय प्रार्थना करने दो, तो वो शिक्षा देती। और जहाँ पर संगीत की बात आती है, श्री राधा जी के गुणों में संगीत परसर विज्ञा रम्य वाक नर्भ पंडिता हैं संगीत की विद्या में। श्री कृष्ण नित्य की शिक्षा भी श्री राधा जी से ग्रहण करते हैं ना। कस्मात बिंदे प्रिय सखी सपाद मूल कुतोसो कुंडल रमनम केवम कुरुते नित्य शिक्ष गुरु का। वृंदा जी से पूछा ना, हे वृंदे कहाँ से आ रही हो? बोते कुंड रम्यम राधा कुंड से। स्वपाद मूलो कहाँ से? श्री हरि श्री कृष्ण के पास से। कहाँ पर है? कुंड रम्यम राधा कुंड पर। क्या कर रहे हैं? कुंड रम्यम किम हम कुरुते, क्या कर रहे हैं? बोते हैं वहां पर शिक्षा, क्या नित्य की शिक्षा ले रहे हैं। नित्य शिक्षा गुरु का, कौन गुरु है? तो वृंदा जी कह रही है तम तम मूर्ति प्रति तरुलताम दिवृक्षवरयंती। आपकी जो प्रतिमूर्तियां, जो उन लताओं ने पताओं ने स्वीकार किया अर्थात उनको धारण कर लिया, उन कैप्चर कर लिया, उन्हीं से ही नित्य की शिक्षा सीख रहे हैं। तो नित्य की शिक्षा भी राधा जी से सीखी जा रही है, प्रेम की शिक्षा भी राधा जी से सीखी जा रही है, और तो और संगीत की शिक्षा। श्री कृष्ण, ये गुरु जी की कथा मथुरा मठ में बहुत वर्ष पहले सुनी थी। श्री कृष्ण पंचम स्वर में गा रहे हैं और डी घाक रहे हैं। डी घाकते ना, अरे मेरे जैसा कौन है, पंचम स्वर में। और गुरु जी ने वो पंचम स्वर गा के भी दिखलाया, महामंत्र गाया था, वो बहुत पुरानी कथा मथुरा मठ की। हरे गुरुजी ऐसे गा रहे थे पंचम स्वर में श्री कृष्ण, और अपने नेत्रों को घुमाते घुमाते सखियों की ओर देखकर, राधा जी की ओर देखकर कि कोई गा सकता है। इतने में ललिता जी आगे आई और ललिता जी पंचम से षष्ठ और सप्तम स्वर तक पहुंच गई, और कृष्ण की तो केकड़ी बंद हो गई, आवाज ही बंद हो गया। सप्तम स्वर तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, पंचम स्वर तक ही। और ललिता जी को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं सप्तम स्वर तक। तब राधा जी ये देखकर श्याम सुंदर लज्जा रहे हैं, श्री राधा जी श्री कृष्ण के सहायक बनकर उनकी मनोकामना पूर्ण करना, या कहें कि उनकी स्थिति को संभालने के लिए श्री राधा जी भी ललिता जी के साथ सप्तम स्वर तक पहुंच गई। और श्री कृष्ण देख रहे हैं राधा जी भी सप्तम स्वर तक पहुंच रही है, और फिर राधा जी ललिता जी को सप्तम स्वर से षष्ठ स्वर और फिर पंचम स्वर तक लेकर आई अपने ही संगीत से। और श्री कृष्ण और श्री ललिता जी और श्री राधा जी तीनों ही पंचम स्वर से गाने लगे। इस प्रकार से वे संगीत की भी शिक्षा, संगीत प्रसर विज्ञा रम्य वाक नर्म पंडिता। इसलिए क्यों सब राधे राधे करते हैं, क्यों राधाष्टमी मनाई जा रही है, वे राधा जी क्यों राधा दास्य की बात बस ऐसे ही कि कृष्ण को बिलसाती हैं, कृष्ण के साथ रास करती हैं। लेकिन अभी पूर्व वक्ताओं ने बतलाया, उसको ही समराइज कर रहा हूं कि कैसे उनकी प्रत्येक क्रिया श्री कृष्ण के लिए, प्रत्येक क्रिया। श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात भक्ति स्वामी सिंधु में कही। देखो हम लोग प्रार्थना करते हैं, गौरांगा बोली ते हबे पुलक शरीरा, हरी हरी बोली ते ना याने बाबेरा। प्रार्थना करते हैं हाय वो दिन हमारे जीवन में कब आएगा। हंसते तो रहते हैं लेकिन कबू
कभी एक अश्रु तो आए आंखों में, भगवान का नाम लेकर उनकी कथा कहते हुए, उनकी कथा सुनते हुए, तदशम सारम हृदय वितेदम यद गरी नाम हरि नाम देह, वो हृदय कभी पिघले और नेत्रों से कभी अश्रु तो आए। जैसे श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज नवदीप में राधा जी का नाम उच्चारण करते करते कैसे विलाप कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी का वो प्रथम दर्शन था बाबा जी महाराज जी का, जब वो गा रहे हैं कोथाए गो प्रेमामयी तोमार कंगाल तोमार डाके देखा दियो प्राण राखो, राधे राधे। श्री प्रभुपाद जी का वो प्रथम दर्शन बाबा जी महाराज का देखकर कैसे विलाप कर रहे हैं, विप्रलंब रसाम बोधे पदाम भुजाए ते नमः, और हृदय में उन्हीं को ही गुरु जी के रूप में धारण कर रहा श्री बाबा जी महाराज को। तो श्री राधा जी, हम उस दिन की प्रतीक्षा और उस दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उसके लिए चेष्टा तो करनी पड़ेगी, साधन करना पड़ेगा, वक्ताओं ने बतलाया। लेकिन स्वाभाविक रूप में अष्ट सात्विक भाव यदि आए, और उन अष्ट सात्विक भाव में एक है अश्रु, राधा जी यदि श्री कृष्ण के दर्शन करें, श्री कृष्ण को निहारें, कहने का तात्पर्य, तो स्वाभाविक रूप में उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। आप देखो वो सेवा कुंज की जो बड़ी सुंदर पेंटिंग, श्री कृष्ण के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, श्री राधा जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये क्या है? अष्ट सात्विक भाव, ये साधारण नहीं। कथा सुनकर कभी किसी को कोई अभाव प्रतीत होता है तो अश्रु प्रवाहित हो जाते हैं, कभी वो तामसिक, कभी राजसिक, कभी सात्विक। लेकिन ये तो विशुद्ध सत्वमय स्थिति है जहां पर अष्ट सात्विक भाव। तो श्री कृष्ण को निहारते समय राधा जी के नेत्रों में यदि अश्रु आ जाएं, तो राधा जी उन अश्रुओं को धिक्कार देती हैं। गोविंद प्रेक्षण आश्वभूरभि वर्षणम उच्चे अनिंदम उच्चे आनंदम अरविंद लोचनम, नहीं, उच्च निंदम आनंदम अरविंद लोचनम, उच्च स्वर से निंदा करती हैं उस आनंद को। कौन सा? जो अष्टसात्विक भाव का आनंद आ रहा है। इसका मतलब क्या? सेवानंदे यदि प्रेमानंदे बाधे, श्री कृष्ण को निहारती हुई श्री राधा जी उनकी सेवा कर रही हैं, और उसमें प्रेम का जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है, उस प्रेम को धिक्कार दे रही हैं, हे अश्रु तुमको अभी क्यों आना है, जब मैं श्री कृष्ण को निहार रही हूं तुम अश्रु आ रहे हो, और मैं उनको ठीक से देख भी नहीं पा रही, मेरे नेत्र भीग रहे हैं। अर्थात उन सात्विक भावों को भी धिक्कार दे रही हैं, चले जाओ, क्यों मुझको बाधा दे रहे हो। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, फिर आप मूर्छित क्यों हो जाती है? मूर्छा भी तो सात्विक भाव है, मूर्छा भी तो सात्विक भाव है, परम चरम सीमा का सात्विक भाव है। और श्री कृष्ण के विरह में जैसे गुरुजी ने ही वर्णन किया, हमने तो कभी सुना नहीं था जीवन में, संयोगनी राधा वियोगनी राधा और विषभानु नंदनी राधा। कुरुक्षेत्र में जब गई तो संयोगनी राधा, श्री उद्धव कैरी जी में वियोगनी राधा। श्री कृष्ण को बिलसाते हुए यदि विराजमान हो तो विषभानु नंदनी। तो आप मूर्छित क्यों पड़ी हैं श्री कृष्ण के विरह में? क्योंकि मूर्छा भी तो एक सात्विक भाव है। आप अश्रु को तो उच्च निंदम उसकी निंदा करती हो, उस आनंद की करती हैं, तो आप फिर मूर्छा में क्यों पड़ी हैं? वो भी तो एक आनंद है। साधारण जगत में मूर्छित होने का अर्थ क्या? मूर्छा ही हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, है ना। लेकिन जो गुरुजन गुरुपाद पद्म यदि समाधि दशा में होते हैं, तो समाधि दशा का अर्थ क्या? सम्य रूप में ना धी, पूर्ण रूप से उसमें लिप्त है। किसमें? श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण रूप से लिप्त है। इसका मतलब अनकॉन्शियस स्टेट नहीं है, वो कॉन्शियस स्टेट है, वो मूर्छा अवस्था नहीं, वो चेतन अवस्था है। तो राधा जी आप
फिर वो मूर्छा को क्यों स्वीकार करती हैं? वो भी तो एक आनंद है, और राधा जी तो किसी प्रकार के उस आनंद और सुख को स्वीकार नहीं करती, उनको तिरस्कृत करती हैं। तो एक श्लोक प्राप्त हुआ, उसको ढूंढना पड़ेगा, जिसमें यह बताया श्री भक्तिव ठाकुर जी जिस बात को कह रहे हैं, श्री कृष्ण विरे राधिका दशा अमितो सहिते नारी, मैं वो सहन नहीं कर सकता, मैं अपने जीवन को सबका तात्पर्य राधा कृष्ण युगल मिलन। तो मूर्छा वहां पर उस श्लोक में बताया, मूर्छा एक सखी है जो कृष्ण योशी राधा जी का कृष्ण के प्रति जो विरह है उस विरह को सहन नहीं कर पा रही, कि राधा जी संतप्त हो श्री कृष्ण के विरह में, तो मूर्छा ने श्री राधा जी को आलिंगन कर लिया, ना कि राधा जी ने मूर्छा को आलिंगन किया। वहां पर उस सात्विक भाव का सुख आस्वादन नहीं है, वहां पर सात्विक भाव का वह भोग नहीं है, वहां तो भोग है ही नहीं। तो मूर्छावस्था क्या, और मूर्छा सखी ने ही राधा जी को आलिंगन प्राप्त कर लिया, राधा जी को तो होश ही नहीं है, यह मूर्छा सखी का आलिंगन है। वहां पर सात्विक भाव का आस्वादन नहीं है, वहां कृष्ण स्मरण की सेवा है, और दूसरी ओर जो मूर्छा सखी उसकी सेवा है कि मैं श्री राधा जी को कृष्ण के विरह में विलाप करती हुई मैं देख नहीं सकती, मैं सहन नहीं कर सकती। तो वहां पर सखी ने भी सेवा की और श्री राधा जी की भी वो सेवा, इसलिए राधे राधे होता है, इतना आसान नहीं है। दिन रात जो श्री कृष्ण और समस्त प्रकार की कार्य इत्यादि में भी श्री कृष्ण की ही प्रेम को वर्धित करने वाली वह श्री राधा रानी है, इसलिए तो हाथ जोड़ लेते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर लेते हैं। से प्रतिज्ञा भंग होई लो गोपी रो भजने, जहां ते प्रमाण श्री कृष्ण मुख वचने, है ना। विजय प्रभु जी ने बतलाया, मैं सबको समराइज कर रहा हूं, विजय प्रभु जी ने बतलाया, काम प्रेम बहु अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम और प्रेम में बहुत अंतर है, काम तो अंधतम तमोगुनी और प्रेम निर्मल भास्कर, तेजवान भास्कर अर्थात सूर्य की भांति। अतएव गोपीगण नहीं कामगंध, कृष्ण सुख लागी करे कृष्ण से संबंध। गोपियों में काम की गंध मात्र भी नहीं है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांचा ताते बोले काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांचा धोरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों की संतुष्टि और भोग वह आत्म इंद्रिय प्रीति वांचा, और जब कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा है वही प्रेम नाम है। जो कृष्ण के इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाली जो क्रिया है वही प्रेम है, और श्री राधा जी तो वह प्रेम स्वरूपा है। जो कांति शब्द कृष्ण सकल वांछा रहे और कृष्ण सकल वांछा राधिता रहे, इसलिए महाभाव उज्जलो चिंतो रत्न भावित विग्रहम, सखी प्रणय सदगंधो वरोत वरम सुप्रभावम, करुणामृत धराय विची भी तरुणमित धारया, लवनामृत वन्यापी गलपित ने सप्रेण दिया, हिपट वस्त्रम गोप्तांगी सौंदर्य गृचितम, श्याम उज्ज्वल कस्तूरी विचित्र कलेवरम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री राधा जी के एक एक भाव का और एक एक अलंकार का बड़े सुंदर रूप में इस 12 श्लोकों में बड़े सुंदर इनका वर्णन कर रहे हैं। आज इस सभा को यहीं विराम देते हैं, बहुत सारे वक्ता बड़े सुंदर रूप से राधा जी के और श्री गुरु जी के उस महिमा को वर्णन किया, आज उनकी ही देन है श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में, जो श्री गुरु जी का हृदय स्वरूप है, और इसका स्थापन ही इसलिए हुआ कि हम इसी प्रकार से समस्त तिथियों को एक साथ गुरु भाई मिलकर, कितना आनंद लगता है ना, कितना आनंद लगता है एक साथ बैठकर, एक ही मंच पर बैठकर हम लोग सब एक ही विषय पर कितने प्रकार के दृष्टिकोण से, और ये सब कुछ जो भी बोला जा रहा है ये कहां से निकल रहा है, इसका सूत्र कहां है, गुरु मुखा पद्मा वाक्य,
गुरु मुखा पद्म वाक्य श्री गुरु जी के मुख कमल से, और इसके द्वारा हमको क्या प्राप्त हो, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, निकला मुख से और रति कहाँ हो, श्री गुरु चरण रति। ये बोलकर अपनी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। वांछा कल कृपा सिंधु पति का नाम पावन हो, बोलो श्री राधा रानी की, श्री ललिता देवी की, श्री गुरुदेव की, श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ की, सभी सेवक वृंद की बिताई और प्रेमानंदे हरि हरि। संचालक महोदय जी एक मिनट। हरे कृष्णा। हमारे पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी जो हमारी आज की सभा के संरक्षक हैं, महाराज जी से बस आशीर्वचन के रूप में दो चार कुछ हम शब्द सुन लें। अभी ठाकुर जी का भोग हो रहा है, फिर हमारे संचालक महोदय हमारे रामचंद्र प्रभु जी सबको सभा का ये मैं कहने जा रहा था। धन्यवाद। और हरि बोल हरि ओम ज्ञानेन्द्रियानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय वैष्णवालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद यशोधर सदस्य श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साक्षात नमन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद यशोधर सदस्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री सभापति महोदय एवं अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। देखो जैसे श्री राधा रानी की तत्वोपर में विभिन्न वक्ताओं के मुहार विद से जब हम ये कथा सुनते हैं, श्री गुरुदेव का एक बात याद आता है। जब किसने श्री गुरुदेव को प्रश्न किया, आप तो संपूर्ण विश्व में प्रचार किया और इतने सारे भक्तों को लेकर के आप आए हो, लेकिन आप तो इतने भक्तों को लेकर के आए, लेकिन भविष्य में इनका शरण खाना, इनका रक्षा कौन करेगा? ये गुरुदेव स्वयं बोले ही, बोले एक नारायण तो जा रहा है, लेकिन पीछे में अनंत नारायण हमें छोड़ कर जा रहा है। ये गुरुदेव की मुखनिषद वाणी है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, वो अकेले नहीं आए, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सभा करी, वो धाम और अपना परिक्रम को लेकर किसी जगत में आए हैं। उसी तरह हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जब आए ना, वो अकेले नहीं आए, वो भी अपना परिक्रम को लेकर के यहाँ पर अपना गण को लेकर ही जगत में ही आए हैं। इसलिए जब इनकी मुखारविंद से हम लोग कथा सुनते हैं, हमको ऐसे प्रतीत होता है सचमुच से यहाँ पर श्री गुरुपाद पद्म ये प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर विद्यमान है। ये विद्यमान है गुरुपाद पद्म की। विश्व में हम सब जगह पर जाते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन जब हमारे गुरु जी की जो शिक्षा में जो सीखी तो जो भक्त लोग हैं, जब इनकी जब महाराज जैसे कथा बोल रहे हैं सिद्धार्थ महाराज,
सारे शास्त्र का निचोड़ हुआ। पता नहीं आप लोगों ने कितने समझा नहीं समझा, महाराज जितने वेद पुराण उपनिषद जितने कौड़ी और ग्रंथ है ना, वो सारे ग्रंथों को उन्होंने कोटेशन करके महाराज जी सारे सारे चीजों को बता रहे थे। ये चीज जो आपको श्री रमण बिहारी गौड़ी मठ में प्राप्त हो रहा है, समझो पृथ्वी में कहीं भी ये चीज आपको मिलने वाले नहीं है। इसलिए हम लोग अपने आप को बड़े सौभाग्य वाले समझते हैं, श्री महाराज जो हमारी जो कण कण में जो उन्होंने राधा दासियों को उन्होंने प्रदान किया है, छोटे से छोटे व्यक्ति को किसको पूछो। एक समय श्री गुरुपाद पद्मों को किसी ने प्रश्न किया, बोले गुरु जी मेरा कुछ हुआ ही, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, उनको नग दी थी। गुरुदेव ने कहा कुछ हुआ है, गुरुदेव मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है। बोले ये बताओ तुम मुक्ति पाना चाहते हो, बोले नहीं। बोले वैकुंठ पाना चाहते हो, बोले नहीं। बोले अयोध्या जाना चाहते हो, बोले नहीं। बोले क्या तुम द्वारका पाना चाहते हो, बोले नहीं। बोले क्या तुम मथुरा जाना चाहते हो, बोले नहीं। बोले वृंदावन जाना चाहते हो, बोले हाँ। बोले वृंदावन जाना चाहते हो लेकिन क्या सख्य रस में सेवा करना चाहते हो, बोले नहीं। बोले तुम क्या दास्य रस में, बोले नहीं। बोले बात्सल्य रस में, बोले नहीं। बोले मधुर रस में, बोले हाँ। बोले किस रूप में, बोले राधा रानी की पाल्य दासी बनकर के मैं श्री सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा तू बोल रहे थे मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ तू बता रही थी। बोले जिन चरण को प्राप्त करने के लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्म स्वरादि सुदुरूह पदारविंदम, जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद लक्ष्मी भी यहाँ तक भी जिनकी चरण कमल को पाने के लिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जहां पर कृष्ण स्वयं लालायित होते हैं, जहां पर कृष्ण स्वयं राधा जी की चरण कमल में अपना बंसुरी को छोड़ कर बोले हे राधे जिस बंसुरी को द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड को मैं मुग्ध करता हूँ, वो बंस की करामत भी तेरे चरण में। कहते जिसे मरु मुकुल को जो धारण किया है, बोले क्यों, बोले कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण नटवर है। इसलिए मयूर को नृत्य सर्वश्रेष्ठ नृत्य वो नृत्य विद्या भी तेरे चरण में आज मैं समर्पित करता हूँ, यहाँ तक भी मेरे नाम भी तुम्हारे चरण में लिख लेता हूँ। मेरा दे ये मान तो मेरे क्यों आज इतने मान किए हो, ये मान को तो परित्याग कर दो। कृष्ण भी जिन प्रेम के लिए लालायित है, कृष्ण लालायित अभी तुम वो प्रेम को जब समझ गए, राधा रानी के दास्य ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ये बताओ तुम कह रहे हो तुम कुछ नहीं ना। इसलिए अगर जीव गुरुदेव का यही पानी है, अगर हमारे किसी जीवन में हमारा लक्ष्य ठीक हो जाए, भले ही कितने जन्म हमें लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सही लाइन में तो आगे सही जब लाइन में खड़े, एक दिन ना एक दिन हम श्री जरूर एक दिन श्री राधा रानी के दासत्व को जरूर हमें मिलेगा ही। ये चीज वह हमें अपना हृदय में दृढ़ विश्वास करना रखनी चाहिए, बस यही हमारे काम में है। इसलिए गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में कैसे श्रीमती राधा रानी को उन्होंने स्थापन किया है, हैं? इसलिए गुरुदेव इसी विषय पर बहुत अच्छी बात गुरुदेव बताया करते थे। साधारण लोग कहते हैं भागवत तो कृष्ण परक, लेकिन हमारे गोस्वामी लोग क्या कहते हैं, बोले भागवत कृष्ण परक नहीं, ये श्रीमद भागवत श्री राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ महिमा को ये भागवत स्थापन करता है। चलिए गत्ते गले हम जो श्रवण कर रहे थे उस श्लोक को दो मिनट बोल देता हूँ। उस श्लोक में कहाँ पर श्री राधा जी का नाम लक्ष्य किया है और कितने गूढ़ रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी अपना प्रिया की नाम किशोर जी का नाम को यहाँ ग्रहण किया है। इसमें शब्द है सत्यम परम धीमहि, ये श्लोक में कहीं उन्होंने विशेष का नाम नहीं लिया, केवल विशेषण विशेषण, मतलब इसमें केवल गुण गुण को बताए, वहां पर किसका नाम उन्होंने यहाँ पर नहीं लिया है, नहीं लिया। कारण क्या है, कल हम ये श्रवण कर रहे थे जब श्री सुखदेव गोस्वामी श्री राधा रानी से प्रश्न करती हैं, बोले हे ईश्वर जो आपका नाम तो मैं किस रूप में ग्रहण करूं, राधा रानी स्वयं आदेश देती हैं मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो उसको छुपा करके लेना। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी संप्रदाय का जो रसिक आचार्य है वो क्या कहते, बोले सत्यम परम धीमहि, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं,
साधारण रूप में श्री वल्लभाचार्य वो कृष्ण को भक्ति करने वाले कन्या सत्यम परम जो शब्द है वो किसके लिए व्यवहार किया, बल्कि कृष्ण के लिए व्यवहार किया। क्यों? कृष्ण गीता में कहते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे को छोड़कर कोई परतर तो नहीं, लेकिन इसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर हमारे गोस्वामी लोग क्या कहते, तो बोली जो परम शब्द है वो कृष्ण के लिए नहीं है। कहते पराम पराम तैचि पराम, यहाँ जो परम शब्द वो देवी कृष्णमय प्रवक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मी सर्व सन्मोहिनी परा, ये जो परम शब्द है कहते कृष्ण की जो पराशक्ति श्री राधा रानी को यहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने प्रणाम किया है। क्यों? राधा जी की कृपा के बगैर के वो भी ये भागवत रस में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। और कल जो श्रवण कर रहे थे जन्मादस्य जता, मतलब जिनसे ये आदि रस श्रृंगार रस की प्रकट हुई आद्य एव पर रस, कहते उसमें कैसे रस प्रकट हो अन्या दिकर तस्तो सुना था। इसमें कहते सौभिज्ञ स्वराग, यहाँ पर कहते हैं ये लीला रस में जो सौभिज्ञ, सौभिज्ञ मतलब लीला पुष्टि कैसे हो जिस विषय में ये सर्वज्ञ जानते हैं, कैसे ये लीला को पुष्टि हो सकती है। तो यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं, कभी श्री राधा रानी मान कर लेती हैं, मान करने पर इतने में जटला उपला करके देखो राधे हमने क्या सुनते हैं, तुम तो जाती हो दूध दही बेचने के लिए, सूर्य पूजा करने के लिए हमने क्या सोचो श्याम सुंदर से मिलती हो, खबरदार घर से जाने का जरूरत नहीं, तुम हमारी घर में रहो, कहीं जाने का जरूरत नहीं। अभी इतने में राधा रानी बड़ी दुखी होकर जावट में बैठी हुई, श्याम सुंदर से मिलन नहीं हो पा रहा। देखो राधा रानी की जो प्रेम, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये प्रेम का एक विशेष लक्षण है, श्री कृष्णाकर्षण छसा, जो कृष्ण को बलवत आकर्षण करते हैं ये प्रेम। राधा रानी कौन है? कभी राधा रानी साक्षात ये महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। अभी श्याम सुंदर देखो राधा जी के प्रेम के लिए कितने तरसते हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर स्वयं एक बटू, एक बटू वेश धारण करते हैं, छतरी लेकर कमंडलू लेकर के अलग निरंजन अलग निरंजन करते हुए जाते हैं जावट में। जब वहां पर जटला बुटला देखो बाबरी बड़ा बड़े ज्योतिष और बड़े चमचमात होंगे, बड़े सुंदर ब्राह्मण हैं, अगर इनको दान करेंगे ना जरूर हमारे ऊपर में गोधन वृद्धि होगा। इतने में जटला गुटला जो भिक्षा लेकर के देने के लिए आते हैं कहते भैया दिखता है तुम क्या, तुम्हारे कहाँ सिंदूर है कहाँ माम, लगता है तुम विधवा हो, अरे दो मिनट तुम लगता है तुम विधवा हो, लगता है तुम विधवा हो। देखो मैं अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले किसी विधवा का हाथ में भिक्षा नहीं लेता हूँ, इसलिए केवल सदवा को हाथ में जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं रुको बाबा। इतने में राधा रानी के पास में गई सदवा केवल राधा रानी, इतने बोले राधे एक तेजस्वी पूर्ण ब्राह्मण आया है, वो बिना भिक्षा लिए चले जाएंगे तो हमारा गोधन नष्ट हो जाएगा, और वो कहते हैं मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ केवल सदवा को हाथ में ले सकता हूँ। बोले तुम लेकर के दो। बोले मेरे तुम बदनामी करती हो, मैं बाहर जाती हूँ किससे मिलती हूँ, बोले आज से कभी नहीं बोलूंगा तुम जा करके दो। राधा रानी सीधा जा करके ले आती हूँ। जब कृष्ण को देना चाहते हैं बोले हे राधे ये सीधा लेने के लिए मैं नहीं आया हूँ, तुम्हारी मान रूपी भिक्षा को मैं लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे झोले में तुम अपना मान रूपी भिक्षा को मेरे झोले में दे दो। इतने में श्री राधा रानी सीधा सीधा की जो थाला है ना श्याम सुंदर के सर पर डाल देती है। थोड़ी तो तुम मीठी मीठी थोड़ा मुस्कुराहट से मेरे देख लो बास मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए राधा रानी की मुस्कुराहट को देख करके श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं और वहां से श्याम सुंदर चले जाते हैं। ऐसे जी राधा जी प्रेम की श्लोक में ना इतने सुंदर का व्याख्या सुनोगे, एक एक शब्द में राधा जी की महिमा उन्होंने कैसे उसका कण कण में कैसे भर दिया है। इसलिए भागवत में संपूर्ण श्री राधा जी की महिमा जिसकी कण कण ही विद्यमान है। इसलिए कि गुरु जी की कृपा से हम सब प्राप्त हुआ है, गुरु जी हम सबको करने कृपा करें आशीर्वाद करें, जैसे कभी ना कभी गुरु जी के अनुग्रह करें हम श्री किशोर जी की चरण की सेवा में प्राप्त हो। सूचना देता हूँ कल थोड़ेगा बाद श्री राधा माता गौड़ीय मठ से हम लोग 3 दिन के लिए जगन्नाथपुरी धाम यात्रा पे जा रहे हैं 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर।
कोई अगर जाने के इच्छुक हो तो हमसे संपर्क कर सकते। और ये कहें जैसे कार्तिक महीना का जो परिक्रमा समाप्ति होने का बाद उसके दूसरे दिन से जो एक महीना परिक्रमा नहीं कर सकते हैं वो 8 दिन के अंदर में वो परिक्रमा पूर्ण होगा, उसको हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु सुंदर गोपाल प्रभु वो भी 8 दिन में 14 ब्रजमंडल राधा अष्टमी कितनी कल मनाई जाएगी, मंगल आरती 4:30 बजे, 5 बजे से 6:30 बजे तक कथा, 6:30 बजे से महाभिषेक और साथ में कीर्तन, 7:30 बजे 7:45 बजे से श्रृंगार आरती, उसके बाद प्रसाद सबके लिए और सभी वैष्णव लोग थोड़ा थोड़ा करके कल बोलेंगे मंगल आरती। कल मंगल आरती का विशेष महत्व क्या जानते हो? साल भर मंगल आरती दर्शन करने का जो फल मिलेगा, कल से राधा रानी जन्म ले रहे जो मंगल आरती दर्शन करेगा साल भर मंगल आरती का दर्शन करने का फल, सभी लोगों के लिए प्रसाद नीचे की व्यवस्था है, प्रेम से पाएंगे, बाहर गुरु महाराज जी के ग्रंथ भी है, सब लोग लेकर के जाएंगे। नमन बिहारी जी की सभी वैष्णव वृंद की जय।